Money production. कोई एक मेरी किताब दे दो बेटा, बाहर से मेरी किताब मंगाओ। हाँ चले शुरू करें। अगर बेटा चलो छोड़ो इसे, ऊपर आओ, इधर छोड़ो, ऊपर 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 आओ। शुरू के 20 मिनट बहुत कायदे से सुनते जाइएगा मेरी एक एक बात को, सुनिएगा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं। अगर पूरी बायोलॉजी में कोई सबसे आसान चैप्टर है तो वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रीजन रीजन क्लियर है, जिस चीज में इंटरेस्ट लीजिए वो आसान है ना। मतलब बात है, एक बात की बात है। तो बेटा अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो पहले दो पॉइंट मुझे क्लियरली बताओ, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कि एसेक्सुअल? हाँ हम बेटा, हम लोग बच्चा देते हैं कि अंडा? लड़कों तुम लोग भी बच्चा देने लगे। अच्छा बेटा मतलब हम कह सकते हैं कि ह्यूमन ओवी नहीं विवीपेरस है, विवीपेरस मतलब बच्चा। बेटा नया चैप्टर है, सब लोग इधर आ जाओ, सब लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर बोल, डिस्टर्ब नहीं पढ़ाते वक्त। ह्यूमन जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है और इसके साथ में क्या है, विवीपेरस। अगर हम बात करें किसी का भी रिप्रोडक्शन हो, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें घटनाएं कितनी हो सकती हैं, तीन। मेल और फीमेल गैमेट के मिलने को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अच्छा फर्टिलाइजेशन से पहले जो होगा वो प्री फर्टिलाइजेशन, जो बाद में होगा वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका सुन लीजिए क्या होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन में काफी बातें हो जाएंगी। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग पहले मेल मेल पूरा निपटाएंगे, तब जाएंगे फीमेल पे। नहीं समझे बात को? मतलब एनसीईआरटी ने क्या किया, थोड़ा मेल फिर फीमेल, थोड़ा मेल फिर फीमेल, पहले मेल पूरा एक साथ खत्म करेंगे फिर पूरा फीमेल एक साथ खत्म करेंगे। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं? अब इधर देखो बेटा, कुछ लिखना वेखना मत, मेरी बात सुनो। लेट अस सपोज ये माता जी का सेक्स ऑर्गन है, अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इधर अच्छे से समझना मेरी बात। और ये यहां पर क्या लगी हुई है, ओवरी। अच्छे से देखो बेटा, और ओवरी क्या बनाएगी तुम्हारी, फीमेल गैमेट। एक एक बात समझते जाना, फीमेल गैमेट का बनना, फीमेल गैमेट को हम लोग ओवम भी बोलते हैं क्या? तो फीमेल गैमेट के बनने को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओजेनेसिस। पक्का ओवम का बनना ओजेनेसिस। यूजली आपको एक मजेदार बात बताता हूं, डबल ओवर, दो बार ओ जो आता है ना, डबल ओवर, जब बायोलॉजी में किसी भी चीज की स्पेलिंग डबल ओ से शुरू होती है, वो डबल ओ, वो स्पेलिंग या बोल दो वो वर्ड आपका फीमेल से ही रिलेटेड होता है। ये बात याद रखना मेरी, अभी आगे मैं कई जगह पर ये चीज दिखाऊंगा। तो बेटा ओजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, ओवम का बनना। अब ये देखो बेटा यहां क्या बन गया, फीमेल गैमेट, और पिताजी के अंदर क्या बन रहा होगा तुम्हारा, मेल गैमेट। बोलो भैया। अब इधर देखो, अब इधर से आया आपका स्पर्म, ठीक है। ये बताओ अगर ओवम का बनना ओजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब निर्माण होना, तो स्पर्म का बनना क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। एकदम क्लियर? तो पिताजी में हुई स्पर्मेटोजेनेसिस, माताजी में क्या हुई, ओजेनेसिस। क्या कुल मिला के बोल दो, दोनों ने गैमेट बनाया इस वजह से, गैमेटोजेनेसिस। पक्का दोनों ने क्या बनाया, गैमेट। तो हमने क्या बोल दिया, गैमेटोजेनेसिस। तो पहला काम है गैमेट का निर्माण करिए, क्लियर। अब उसके बाद जब पिताजी ने माताजी में गैमेट छोड़ दिया, अर्थात पहले क्या होगा, कॉपुलेशन होगा। कॉपुलेशन समझते हो ना, पहले क्या होगा आपस में, कॉपुलेशन। जैसे ही मेल गैमेट अर्थात स्पर्म फीमेल में छोड़ा गया, इसे बोलते हैं इनसेमिनेट करना। क्या इनसेमिनेट, इनसेमिनेट मतलब मेल ने गैमेट क्या किया, फीमेल में छोड़ दिया। बोलो, पहले कॉपुलेशन होगा देन इनसेमिनेशन होगा, कि पहले इनसेमिनेशन होगा फिर कॉपुलेशन होगा? अरे बकलोलो, पहले कॉपुलेशन होगा देन क्या होगा, इनसेमिनेशन। यहां तक बातें एकदम क्लियर है बेटा? अब इधर समझना, इनसेमिनेशन मतलब स्पर्म छोड़ दिए गए, और एक आध नहीं छोड़े जाते हैं, 200 से 300 मिलियन। एक मिलियन में 10 लाख होता है, मतलब 2000 लाख से 3000 लाख स्पर्म एक बार में छोड़े जाते हैं, जब हम एक बार स्पर्म को इजैकुलेट करते हैं। इजैकुलेट मतलब स्पर्म को बाहर निकालना। अब बेटा इनसेमिनेशन जब हुआ, अर्थात स्पर्म किसमें पहुंच गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। बोलो भैया। अब भैया स्पर्म में लगी दौड़, अब इधर देखना बेटा होता क्या है, अगर जनवरी में ये वाली ओवरी अंडा निकालेगी तो फरवरी में ये निकालती है, मार्च में ये निकालेगी, 1 3 5 2 4 6 जैसे क्लास नहीं लेते हम लोग, यहीं से सीखा है 1 3 5, सुना होगा ना 1 3 5 2 4 6। तो बेटा ओवरी अगर जनवरी में ये निकाल ली तो फरवरी में ये, मार्च में ये, तो अप्रैल में ये, मई में ये, तो जून में ये, अल्टरनेट। समझ में आया? अब मान लो इस बार इस वाली का नंबर था और इसने क्या निकाल दिया तुम्हारा, इसने तुम्हारा क्या निकाल दिया, फीमेल गैमेट। अब बेटा फीमेल गैमेट ये बताओ ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा? अबे ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई चीज जाएगी क्या? उसके लिए आपको जबरदस्त, बेटा देखो मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, मेल गैमेट मोटाइल होता है, अर्थात मेल गैमेट ऐसे भागता हुआ जाएगा आगे, लेकिन फीमेल गैमेट होता है नॉन मोटाइल। और मैं हमेशा कहता हूं
मेल और फीमेल की जब भी बात हो तो याद रखना इस चीज को, फीमेल हर चीज में मोटी है। कहने का मतलब मेगा स्पोर किसके लिए इस्तेमाल हुआ था? फीमेल, मेगा मतलब बड़ा, क्लियर। अब बेटा ये बताओ हमारे मेल और फीमेल गैमेट में कौन बड़ा होता होगा? फीमेल। अरे तुम एक बात बताते हैं, छोड़ो ये सब बात, किसी भी एनिमल की बात कर लो तुम, मतलब 99.9999 और तुम्हारे लिए 100%, किसी भी एनिमल की सबसे बड़ी सेल जानते हो कौन सी होती? फीमेल गैमेट। सबसे बड़ी सेल ऑस्टिच का अंडा, फीमेल गैमेट। अरे बोलो, तो याद रखना इस चीज को कि फीमेल गैमेट, चाहे हम मेल, चाहे ह्यूमन की बात करो, चाहे कुकुर की बात करो, चाहे सियार की बात करो, चाहे शेर की बात करो, और चाहे तुम बरगद के पेड़ की बात कर लो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फीमेल गैमेट हर केस में क्या होगी? भारी भरकम मोटी। समझ में आया? हाँ। तो अब हम तुमसे क्या करें? अब बेटा फीमेल गैमेट क्या है? नॉन मोटाइल। बेचारी यहां पड़ी हुई है, ठीक है, यहां बारात आ गई है। अरे बोलो भैया, और दूल्हे कितने हैं? 200 से 300 मिलियन। पता नहीं किसकी किस्मत खोले, एक तरीके से स्वयंवर चल रहा है इस समय। बोलो अब बेटा, इधर देखो इधर, अब आपस, अच्छा ये बताओ, स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में छोड़ना क्या कहलाता है? इनसेमिनेशन। एकदम क्लियर। अब बेटा इधर देखो, अब आपस में बात कर रहे हैं, यार इधर वाले रास्ते जाए, इधर वाले मैरिज हॉल में जाए कि इधर वाले? अरे मेरी बात समझ रहे हो ना? कुछ लोग कहें नहीं, पक्का माँ कसम हमको लग रहा है कि इस बार इधर है। अरे बोलो, इस बार इस वाली ओवरी ने, स्पर्म को क्या पता भाई, तो बेचारे 50% तो बेवकूफ बन गए, इधर चले आए, जब इधर आए टाइटाए, फिर जिसने सलाह दी थी उसको क्या करना है? बस मिलके ठूसना है, ठीक है, कि बेवकूफ बन गए, अब कैसे लौट के वापस जाए? बोलो। अच्छा अब कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे घूम के ऐसे चला जाएगा? बेटा इतने मोटे पाइप नहीं होते हैं, समझ में आया, जितने तुम्हें दिख रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पूरा पोर्शन अगर आप निकाल लीजिए, ठीक है, अगर आप ये निकालते हैं, मतलब अरे भैया जीते जागते इंसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर डेड बॉडी में, तो आप मान नहीं पाओगे इस बात को कि ये पूरा स्ट्रक्चर जितना आपको दिखाई दे रहा है बोल्ट पे, ये इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा, और इसी में ये जो हम, इतना बड़ा और इसी में हम 9 महीने रहे हैं, ठीक है, 9 महीने। सोचो इतने बड़े रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका इतना बड़ा बच्चा रहता है, पूछिए कैसे? 5 रुपए का गुब्बारा भी इतना ही बड़ा होता है, समझ पाए? बहुत इलास्टिक होता है वो, समझ में आया? अरे बोलो भाई। तो अब इधर देखो, कुछ तो बेटा बहक गए, गड़बड़ा गया इनके सिस्टम, अब फीमेल गैमेट आगे ना बढ़े, तो यहां पर बेटा लगे होते हैं सीलिया। क्या लगे होते हैं? सीलिया, बिल्कुल हेयर जैसे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसको? सीलिया। अब देखो फीमेल नखरा भी करती है ना बेटा, कभी देखा होगा जब विदाई होती है तो, अरे पापा अरे मम्मी, नौटंकी देखा है कि नहीं? हाँ बोलो। सबसे सही तो हमारी बहन थी, पूछो वो क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी कि यार रोए कैसे साला, समझ में नहीं आ रहा है इधर। हाँ लिटरली ऐसे रोए कैसे, और अधिकतर देखा होगा नौटंकी ऐसा, मतलब ऐसा रोती है मैयत निकल रही हो, है ना, पूरे शादी का मजा किरकिरा, और सबसे ज्यादा खिसियाता है वहां पर उस समय दूल्हा, अरे बस कर यार, है ना, इधर देखो। तो बेटा अब क्या होगा, फीमेल जाने से इनकार कर रही है क्योंकि ये नॉन मोटाइल है ना, कुछ नहीं बेटा, देखो भाई एक वक्त तक इज्जत करते हैं, ठीक है, रो लिए बहन, नहीं अभी हम और रोएंगे नहीं, तो बस कुछ नहीं बेटा, सभी भाई लाठी उठाए, है ना, और लाठी है तुम्हारी क्या? सीलिया। और एक बताओ, अच्छा बताओ, सब लोग एक डायरेक्शन में सूतेंगे कि अगर बेटा दोनों तरफ से लाठियां पड़ेंगी, अगर इधर से भी लाठी पड़ रही, इधर से लाठी पड़ रही है, तो कुछ नहीं बेटा, एक बार हम इधर जाएंगे और एक बार हम इधर जाएंगे, लेकिन अगर लाठियां से तड़ातड़ इधर ही पड़ रही है तो हम आगे बढ़ेंगे। बोलो। तो सभी के सभी जितने भी सीलिया है मेरे लाल, सुनना, क्योंकि इंट्रोडक्शन में सब कुछ हम बोल जाते हैं, जितने भी सीलिया हैं सब एक दिशा में कोऑर्डिनेटेड, मतलब आपस में सामंजस्य बना के मूवमेंट कर रहे हैं, क्लियर, ताकि निकल, अरे मतलब निकलिए, है ना, इधर। तो अब बेटा ये पहुंचा इस फूले हुए पोर्शन पे, समझ में आया? और बेटा याद रखना, मैंने आपको एक बात बताई थी सर्कुलेशन में, कि कोई भी पाइप अगर फूल जाए, क्या बोला, कोई भी पाइप अगर बीच से फूल जाए, तो ये सुनो मेरी बात सुनो यार, बोलने दिया करो पूरा, कोई भी पाइप अगर बीच से फूल जाए तो ये पुलपुला फूला हुआ पोर्शन कहलाता है एम्पुला। ये बात याद रखना, फूला हुआ पोर्शन क्या कहलाता है? एम्पुला। एकदम क्लियर। अब फीमेल गैमेट आ जाता है कहां पर? एम्पुला पर। और अब इधर से पहुंचे मेल गैमेट, और इन्हीं में से कोई एक विजय प्राप्त करेगा। बोलो बेटा, इतनी बातें क्लियर। और एक जैसे ही स्पर्म एंट्री करेगा,
तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, यहां पर हो गया फर्टिलाइजेशन, या बोल दीजिए सिनगैमी, और दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हुए तो क्या बन जाएगा, जायगोट। इतनी बातें एकदम क्लियर। गैमेट आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड, सही है या गलत है? तो एन प्लस एन क्या हो जाएगा, जायगोट, टू एन। यहां तक बातें एकदम क्लियर है भैया, जल्दी बताओ। तो सबसे पहले क्या हुआ, गैमिट्स बने अर्थात गैमिटोजेनेसिस, उसके बाद हुआ इनसेमिनेशन। अरे इनसेमिनेशन के बाद क्या हुआ, आपका फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या बना आपका जायगोट। जायगोट एक सिंगल सेल है, इतनी बातें एकदम क्लियर है। अब बेटा देखना यहां पर क्या होगा कहानी। बेटा अब ये जो जायगोट है, अच्छे से सुनना, ये जायगोट की जो सेल है ये लगातार, नया डायग्राम बना दे रहे हैं, इधर देखना, इधर अच्छा प्लस, हाँ इधर देखो, इधर इधर बेटा, ये जो तुम्हारा जायगोट है इधर, एक तो इस बोर्ड पे हाथ नहीं चल रहा है मेरा, अरे दोनों में लाल चल रहा है, गड़बड़ा गया। हाँ चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर। अब बेटा इधर देखो, दोबारा हम बना रहे हैं आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। अब यहां पर जो आपका जायगोट बना है, अच्छे से सुनना, जायगोट आगे बढ़ता जाता है और सेल इसकी लगातार क्या करती है, डिवाइड करती जाती है। एक सेल से कितनी सेल बन जाएगी, दो, दो से ऐसे कितनी बन जाएगी, चार, चार से आठ, आठ से सोलह। बेटा ये जो, ये सुनो तो, आठ से सोलह, अब रुक जाओ, इतना मत बढ़ाओ। ये जो सोलह सेल स्टेज है ना इसकी, ये आपकी देखने में बिल्कुल शहतूत की तरह लगती, मलबरी की तरह, और इसी वजह से इसे हम बोलते हैं, देखो ना तुम्हें शहतूत सही से समझ में आ रहा है, ना मलबरी आ रहा है, समझ जाओ कुछ होता होगा, है ना। तो इधर सुनो, मलबरी लाइक स्टेज अर्थात देखने में बिल्कुल शहतूत की तरह या मलबरी के फल की तरह लगती है, और इसी को हम बोलते हैं मोरुला। क्या बोलते हैं, मोरुला। अब बेटा ये सेल और डिवाइड करती हैं धनधनाते हुए, जब और डिवाइड करती हैं, इधर पहला नाम क्या आया, मोरुला। जायगोट डिवाइड करके सेल्स का मास बनाया और इसे हमने क्या बोल दिया, मोरुला। अब ये सेल्स और डिवाइड करती हैं, अच्छे से देखना, ये सेल और डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करती हैं, करती जाती, लेकिन यहीं पर कुछ सेल्स आपकी क्या हो, अच्छे समझना, यहीं पर कुछ सेल जो है तुम्हारी क्या होती, गल जाती हैं, जब ये गल जाएंगी तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, स्पेस। कुछ सेल गल जाती हैं तो यहीं पर क्या क्रिएट हो जाएगा, स्पेस। और अब ये स्टेज आपकी कहलाती है ब्लास्टुला। क्या कहलाती है, ब्लास्टुला। अच्छा ये बताओ, क्या इसके अंदर थैलेनुमा स्ट्रक्चर बन गया है क्या? तो बेटा सिस्ट का मतलब होता है थैला, तो इसी को हम बोल सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इतनी बातें एकदम क्लियर है, बोल दो भैया। अब बेटा देखना, ये है तुम्हारा यूट्रस, यूट्रस बोल दो या बोल दो गर्भाशय, जहां पर गर्भ का आशियाना हो अर्थात गर्भाशय, जहां पर हमें 9 महीने रुकना है। अब बेटा इधर देखो, यहां पर मैंने क्या किया, इधर ये मैंने आपके सामने बना दिया यूट्रस, ठीक है। और ये बताओ जल्दी से, अगर बच्चा यूट्रस में चिपका नहीं तो बच्चा गिर जाएगा, गर्भपात हो जाएगा, गर्भपात समझते हो ना। अच्छा ये बताओ, इसका मतलब बच्चे को यहां पर चिपकना जरूरी है। अब क्या होता है, ये जो ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टुला जाकर यहां पर रुकेगा। अब बेटा तुम्हें ये बहुत डिटेल में अभी नहीं बता सकते हम, ठीक है, इसलिए अभी मोटी मोटी बातें कर रहे हैं। ब्लास्टुला यहां पर जाकर रुकेगा और यहीं पर क्या होगा, चिपक जाएगा। और जब चिपकेगा इसके बाद क्या होगा, यूट्रस की सेल डिवाइड करके चारों तरफ से इसको क्या कर लेती है, घेर लेती है, और बच्चा यहां पर अटक गया। बोलो यहां तक बातें एकदम क्लियर है, क्लियर है यहां तक? अच्छा अब मेरी बात समझना, ये बताओ, क्वेश्चन बताओ, किस अवस्था में बच्चा यूट्रस की दीवार में चिपक गया, ब्लास्टुला। पक्का। अब बेटा ये बताओ, यहां पर बच्चा जो चिपक गया इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या? इम्प्लांटेशन, कि बच्चा यहां पर प्लांट कर दिया गया, ठीक है। प्लांट का मतलब होता है किसी चीज को कहीं पर लगा देना, तो यहां पर यूट्रस में क्या हुआ बच्चे का, इम्प्लांटेशन। कोई माई का लाल अभी देख के नहीं बता सकता कि कौन सी सेल क्या बनाएगी, कोई बता सकता है क्या? हम बेटा इन्हीं सेल्स को निकाल लेते हैं। अब आजकल के समय में क्या होता सिस्टम तुमको मालूम है, इन्हीं सेल्स को निकाल लेते हैं और इन सेल को हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रख लेते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड, याद आया कुछ? तो इन सेल्स को हम क्यों निकालते हैं मालूम है, क्योंकि इस समय ये सेल कुछ भी बना सकती है, कोई भी सेल कुछ भी बना सकती है, क्योंकि इस समय अभी कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, अर्थात सेल्स ने अभी ये बंटवारा नहीं किया है कि भाई हम ब्रेन बनाएंगे या हम आई बनाएंगे या हम हार्ट बनाएंगे या हम लिवर बनाएंगे हम किडनी बनाएंगे, अभी ये बंटवारा नहीं हुआ है। तो इस समय कोई भी सेल कुछ भी बना सकती है, दैट्स वाई इस समय की सेल को हम स्टेम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेम सेल। कहने का मतलब जो कुछ भी बना ले, क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा आजकल के, क्या करते हैं सुनो, जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है वो लोग क्या करते हैं, अपनी जब भी महिला
प्रेग्नेंट होती है तो उसी में से कुछ सेल निकलवा के रख लेते हैं। तो अब तुम लोग सोचोगे सर कुछ सेल निकाल लेंगे तब तो दो चार अंग कम हो जाएगा। अबे कॉमन सेंस लगाओ यार सर, अभी तो यही, अभी तो कोई भी सेल कुछ भी बना सकती है, समझ में। अभी ये क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है कि फलाने ये बनाएंगी धमाके ये बनाएंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? मैं क्या कह रहा हूं, स्टेम बेटा, स्टेम का मतलब होता है, समझो मेरी बात, स्टेम सेल का मतलब होता है एक ऐसी सेल जो कुछ भी बना सकती है, आपका हार्ट भी बना सकती है, लिवर भी बना सकती है, किडनी भी बना सकती है, ब्रेन भी बना सकती है। इतनी बात एकदम क्लियर है? तो इन स्टेम सेल को हमने निकाल लिया, ठीक है, दो चार। बेटा पूरा मत निकाल लेना, पूरा निकाल लोगे तो फिर बस बच्चा रही कहां जाएगा बे, कॉमन सेंस। तो दो चार सेल निकाल के हमने क्या किया, रख लिया अपने पास। कल को मान लो बेटा एक नंबर का बेवड़ा निकला और उसका लिवर हो गया खराब, तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे वहीं पर और हम कहेंगे जरा उसी में से एक सेल निकालिए और इसको आर्टिफिशियली डिवाइड कराइए और लिवर बनाइए। आज हमारी तकनीक इतनी आगे है, ठीक है। और जब खुद की ही सेल से लिवर बनेगा तो सीधी बात है हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर लेगी या रिजेक्ट कर लेगी, एक्सेप्ट, समझ में आया। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में अर्थात आप जो अंग किसी और से लेते हैं, अगर कोई अंग खराब हो गया जैसे ब्रेन हो गया बेटिया, तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में सबसे बड़ा लफड़ा क्या है, यही तो है कि अगर मान लो मैं इनसे कहूँ भैया थोड़ा सा लिवर दे दो हमें, तो इनके लिवर को मेरी बॉडी अपना नहीं समझेगी और मेरी वाइट ब्लड सेल उस लिवर पे क्या कर देंगी, अटैक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? याद करो फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी में मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि हमारी बॉडी में जितने भी अंग हैं वो सिर्फ अपना काम जानते हैं, उन्हें जिंदा जिंदा रहना मरना इन सबसे कोई मतलब नहीं है। अगर 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 मैं अब तुम कहोगे सर आपके आपका लिवर खराब हो गया, आपने उस बच्ची से लिवर ले लिया, तो ये तो अच्छी बात हुई ना, ये तो अच्छी बात हुई, तो आपकी बॉडी को क्या कर लेना चाहिए था, एक्सेप्ट। WBC ये नहीं जानती है कि कौन फायदामंद कौन नुकसानदायक, WBC को बस एक ही सिद्धांत, एनी विदेशी आइटम धाएं। समझ में आया कि नहीं आया? WBC ये सब कुछ नहीं समझती है, WBC इज जस्ट लाइक कि कुछ भी विदेशी मिला तो खट से क्या करेंगे, शूट। समझ में आया या नहीं आया? आपको एक बात बताते हैं, पूछे क्या, एक हमारे यहाँ की कमांडो होती है जिसको बोलते हैं मार्कोस, नाम सुना है कभी? मार्कोस किसने सुना है बताओ जरा, कहाँ है, मतलब एयर की है, नेवी की, नहीं कमांडो है, पर कमांडो भी होते हैं ना भाई, थल सेना, वायु सेना या जल सेना। अच्छा बस वीडियो देखी थी, तो वीडियो में कुछ दिखा होगा ना, ठीक है, इधर जल सेना है नेवी है। तो इधर सुनो, तो जो आपकी मार्कोस है, मार्कोस क्या करते हैं इनको ये मतलब सबसे वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन कमांडो में आते हैं मार्कोस, ये क्या करते हैं, इनको ऐसे एक बात सिखाई जाती है कि भैया तुम्हारा काम है इस एरिया में जैसे कोई दिखे शूट, और तुम यकीन मानो उस समय अगर कोई उनका अपना आदमी भी दिखेगा ना तो शूट कर देंगे, क्योंकि उनका एक सिद्धांत होता है जितना बोला गया हम उतना ही समझते हैं और उतना ही करते हैं, मतलब ये फैक्ट बात है। वैसे ही हमारी बॉडी काम करती है बिल्कुल मार्कोस फॉर्म में। मैंने हर्ट से कहा, हर्ट यार अगर तुम ना होते तो हम जिंदा ना रह पाते, ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कौन कराता, ठीक है। तो हर्ट कह रहा है देखो तुम्हारे जिंदा रहने से हमें कोई मतलब ना है, हम इतना जानते हैं फूलेंगे पिचकेंगे यही हमारा काम है। समझ में आया या नहीं आया? हमने कहा हे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगर तुम ना होते तो हम ना होते, बोलो। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ने कहा मेरे तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरा काम है गैमीट बनाना, फिर उसको फ्यूज करा के यहां पर बच्चा बनवा देना, बस इससे ज्यादा ना हम कुछ जानते हैं ना कुछ सोचते हैं। समझ में आया या नहीं आया? अब इधर देखो बेटा, इधर बच्चा इस समय इम्प्लांट हो चुका है, अभी भी आपके पास मौका है कुछ सेल निकाल के आप क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व, लेकिन अब आप मौका खोने वाले हैं, क्योंकि अब क्या करेंगी ये जो सेल्स हैं, ये सेल बेटा इस डायग्राम को बाहर बना ले, ठीक है, ये अगली स्टेज ही आएगी। ये सेल क्या करती हैं, ये सेल आपकी तीन लेयर बना लेती हैं, अर्थात सेल ने क्या किया, अपने आपको तीन लेयर में डिफरेंशिएट कर लिया। डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है तीन लेयर में अपने आपको विभाजित कर लिया। अब इधर देखो बेटा, डर्म, अरे क्या चल रही हो तुम, तो डब कौन इधर, हाँ इधर देखो बेटा, तीन लेयर यहां पर बन गई सेल्स की, मतलब यहां पर जो सेल्स का लड्डू था वो अल्टीमेटली किसमें आ गया है, तीन लेयर में, एकदम क्लियर है बेटा। डर्मा का मतलब होता है लेयर, एक्टो का मतलब हुआ बाहर, तो सबसे बाहर वाली आपकी क्या बनाती है, एक्टोडर्म, अच्छा बीच वाली क्या कहलाएगी, मीजोडर्म,
मीजो का मतलब क्या होता है? बीच में, और इंडो का मतलब अंदर, तो सबसे अंदर वाली क्या है? इंडोडर्म। बस खेल खत्म। अब आप इसमें कुछ मत निकालिएगा, क्योंकि अब ये स्टेम सेल नहीं रह गई हैं, अब ये फिक्स होता है कि कौन सी लेयर क्या बनाएंगी बॉडी में, मतलब किसको स्टमक बनाना है, किसको इंटेस्टाइन बनाना है, किसको ब्रेन बनाना है, अब ये फिक्स हो गया। और जैसे ये तीन लेयर हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगी, सर माइक्रोस्कोप से, अरे भाई साहब एक महीने का बच्चा चावल के दाने के बराबर होता है, समझ में आया? हाँ सुन लो, हमसे ये भी सुन लो, आज तीन लेयर आपको माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ेगी, वो भी अच्छे खासे माइक्रोस्कोप से, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा। तो जो तीन लेयर है ना आपकी बनी है, अब ये फिक्स होता है कि कौन बॉडी का कौन सा सिस्टम बनाएगा। अब बेटा जरा 11th एनसीईआरटी में क्या तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर का सीक्वेंस बता सकते हो? अबे इतना पढ़े हो सीक्वेंस नहीं बता पाओगे? सबसे पहले डाइजेस्टिव, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन, उसके बाद क्या, लोकोमोशन, न्यूरल, पक्का? फिर इंडोक्राइन। बोलो, आओ तुम्हें एक मजेदार चीज बताते हैं, कौन सी लेयर क्या बनाएगी, ये रटना बहुत मुश्किल काम है, ये भी बता दें। और ये हम तुम्हें दावे से कह दे रहे हैं कि कोई माइकालाल सारे अंगों का नहीं रट सकता, ठीक है, लेकिन एक तरीका है जो 99.9% हर जगह फिट बैठेगा आपका, ठीक है। ये एक पैटर्न है बहुत प्यारा, जो आपका चैप्टर नंबर 16 है, उसका नाम क्या है भैया? डाइजेशन है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। जिन बच्चों को चैप्टर्स के नाम के सीक्वेंस नहीं याद हैं, वो जब ये चैप्टर पढ़ेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कम से कम नाम तो याद ही हो जाएगा, मतलब यार हद हो गई है। अगला बेटा क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, इधर सुनो, उधर आवाज देखो कितनी क्लियर आएगी। हाँ भाई अगला, क्या बात है, क्या आवाज आ रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अगला एक्सक्रीटरी सिस्टम, भैया देखो बोल टूट जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगला लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन ना, इसे बोन एंड मसल पढ़ते हैं क्या? बोलो बखलोल हो क्या मास्टर? इधर बोन और मसल की मदद से ही तो आप मूवमेंट करोगे। अच्छा तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं बोन एंड मसल, चैप्टर नंबर 21 न्यूरल, न्यूरल सिस्टम एब्सेंट इन फीमेल, अरे सही ना मान लेना इसको। चैप्टर नंबर 22 केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इंडोक्राइन बोल दो, इंडोक्राइन ले हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आओ बेटा अब देखो मजेदार चीज, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है और डाइजेस्टिव के साथ जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ये दोनों का दोनों इंडोडर्म से बना है। किससे? इंडोडर्म से। और जो आपका सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी और लोकोमोशन है, ये तीनों का तीनों मीजोडर्म से बना है। तुम्हें क्या लगा एनसीईआरटी हल्के में सीक्वेंस लिखती है? उसके सीक्वेंस में दम देखो पहले, उन्होंने दो पहले पढ़ाए इंडोडर्म के, फिर तीन पढ़ाए आपको मीजोडर्म से बने हुए सिस्टम, और लास्ट का ये जो न्यूरल है आपका, ये एक्टोडर्म से बना होता है। अब बेटा इंडोक्राइन मिक्स है, मतलब तीनों लेयर की सेल्स कुछ ना कुछ क्या करती हैं, कंट्रीब्यूशन करती हैं। ऊपर शुरू के दो इंडो, उसके बाद मीजो, और उसके बाद एक्टो, और लास्ट वाला मिक्स। अच्छा चलो बताओ ब्रेन कौन सी लेयर बनाएगी? देख के बता यार, एक्टो। क्या रट्टा मारना है क्या एक एक का? अच्छा बताओ न्यूरॉन कौन बनाएगा? एक्टो। हाइपोथैलेमस कौन बनाएगा? एक्टो। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है। अच्छा 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 सेरिब्रम कौन बनाएगा? एक्टो। बोलो मास्टर चटोना पूरा न्यूरल सिस्टम एक्टो बनाएगा। इतनी बात है एकदम क्लियर। आओ बेटा अब कभी भूल भी जाना तो डायरेक्ट भी एक आध याद रखना, जैसे एम से मसल, एम से मीजोडम। अरे तो अच्छा ये बताओ बेटा ब्रैकियो क्रोकोडाइलिस मसल कौन बनाएगी? अच्छा गैस्ट्रोसिनेमिक्स मसल कौन बनाएगा? मास्टर हम जो तुम पहले बड़बड़ा रहे हो ना मास्टर, वो हम सुन नहीं रहे गुरु जी, हम वो अंत वाला मसल सुन रहे हैं। हम कलमा बंद कर लेंगे, बस हल्का खोलेंगे मसल, मीजो। बोलो रट्टा मार रहे हो क्या? स्टेपिडियस मसल कौन बनाएगा? मैसेटर कौन बनाएगा? मीजो। गुरु जी ऐसा है कि हम मसल जानते हैं मीजो, अब अगर आप आगे ना फलाने मसल बोल दो या धमाके मसल बोल दो तो भी मुंह से निकलेगा मीजो। अच्छा ये बताओ फीमर नाम की हड्डी कौन बनाएगा? आप गुरु जी 206 हड्डियां मत गिनाने लगना, चुपचाप बोन का मतलब क्या है? मीजो। अपना मुंह बंद रखिए ना, मुंह बंद रखे जाए। अच्छा अच्छा ये बताओ हार्ट कौन बनाएगा? हाँ मतलब जवाब देखिए इधर, ब्लड कौन बनाएगा? मीजो।
ठीक है, क्या कह रहा है, क्या अच्छा चटो मत मास्टर, इधर बेटा वो हम बोले तो तुम सुनो, बोलो नहीं रिप्लाई मत करना है, सुनो इधर सुनो, अभी अभी पहला क्लास है क्या, अभी समझ जाओगे नेचर, सुनो सुनो अभी सुनो सुनो सुनो, अभी आज चौथा दिन है कॉमन कोल्ड का, 3 से 7 दिन में हो जाएगा खत्म, कराया किसने हमको, ग्रुप ऑफ वायरस, नाम क्या था, राइनो वायरस, गुड। हाँ इधर आओ बेटा इधर, रोज हम एक बीमारी लाएंगे, हाँ एक दिन टाइफाइड कराएंगे, तो सेलमिला टाइफी में बात करेंगे, बताएंगे कि बताएंगे तुम्हें, सुनो एक बात और सुनो, गया है भाड़ में, फालतू बातें करो पहले हमसे, तुम्हें पता है टाइफाइड का जो फीवर होता है ना, वो मलेरिया की तरह नहीं आता बार बार पलट पलट के आए, ठीक है कि 3 दिन आएगा फिर अगले 3 दिन बाद आएगा, टाइफाइड का फीवर लगातार सस्टेन्ड मतलब बना रहता है, इस बात को याद रखना। चलो छोड़ो फालतू बातें, आओ इधर आओ, आप तुमसे ये कह रहे हैं चचा ये बताइए, एक बार में सुनिएगा वरना अगला अगला स्टेटमेंट भी हम दे सकते हैं, चचा हाँ अगला स्टेटमेंट आ जाएगा तुरंत आंसर दीजिए आप, क्वेश्चन है ओसोफेगस कौन बनाएगा, इंडो, लंग्स किसने बनाया है, इंडो, हाँ इंडो कहा थिया, अच्छा तो तुम्हारे हिसाब से तो किडनी मीजो बनाया है, हाँ गुरुजी एक्सक्रीटरी में आता है किडनी, बोलो भैया, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है पोन्स कौन बनाएगा, मास्टर पोन्स होता है ब्रेन में, आपने पढ़ाया था, और इसका मतलब वो क्या हो गया भैया, मीजो, इतनी बात एकदम क्लियर हो चुकी है, इसको छापना है, अब पोन्स एक्टो एक्टो एक्टो, हाँ एक्टो हो, एक्टो एक्टो पोन्स एक्टो बनाएगा, ये इतनी बातें हो गया क्या, अबे बोन नहीं पोन्स कह रहा हूं, PONS, अच्छा बोन सोच रहे हो, बोन नहीं बेटा पोन्स, दांत कौन बनाएगा, मीजो, दांत हड्डी है, नहीं सर हम तो अलग अलग रखेंगे, पूरी लिस्ट बनवाए क्या, इधर ये बताओ स्टमक में मसल पाई जाती है, किसने बनाया, मीजो, पक्का, अब बेटा इसको छाप लो जल्दी से तो मजा भी आ जाए हमको थोड़ा, मिटाए नहीं, कोशिश किया करो खुद से लिखा करो, ये बताओ इम्प्लांटेशन किस अवस्था में होगा, मोरुला की ब्लास्टुला, हाँ ब्लास्टुला कह रहे हैं, अब बेटा जैसे ही तीनों लेयर बनी हम इसी को बोलते हैं गैस्ट्रुला, क्या बोलते हैं गैस्ट्रुला, इतनी बात एकदम क्लियर, अब इधर देखो, अब बेटा क्या होगा, 9 महीने हम अपनी माता जी की कोख में रहेंगे और विभिन्न विभिन्न प्रकार के अलग अलग महीनों में बनेंगे, सबसे मजेदार बात है कि सबसे पहले इंसान ऐसा प्राणी कि हम क्या बताएं, सबसे पहले महीने में सबसे पहले हार्ट बन जाता है, हाँ ये बात फैक्ट है, सबसे पहले महीने मतलब कुछ बने ना बने, ब्रेन गया बाढ़ में, पहले दिल वाला मामला पहले, तो पहले ही महीने में आपका क्या बन जाता है हार्ट, इस वजह से डॉक्टर साहब बुलाते हैं 100% कहेंगे ये महीने महीने आकर बच्चा चेक करा लीजिएगा, ओके बच्चा है कहीं बच्चा खराब तो नहीं हो रहा है, तो पहले महीने में डॉक्टर साहब सिर्फ स्टेथोस्कोप लगाते हैं और यहां पर रखते हैं, बस ये सुनते हैं कि हार्ट बीट कर रहा है या नहीं, अगर हार्ट बीट नहीं कर रहा मतलब बच्चा गड़बड़ हो गया, तुरंत आपको सीटी स्कैन नहीं पूरा स्कैन का झाम पहनाएंगे, इतनी बातें एकदम क्लियर है, कई बार धड़कन सुनाई दे रही होती है, सुनना ही नहीं चाहिए, नहीं सुनाई नहीं दे रही है, सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, तो बेटा पहले महीने में हार्ट बनता है और इससे हम स्टेथोस्कोप से चेक कर लेते हैं कि बच्चा ओके है या नहीं, सीधा बैठ इधर, अब बेटा हाँ क्या क्या हो रहा है, सस्टेन्ड फीवर है या रिकरिंग है, अगर देखो रिकरिंग है तो मैं मलेरिया बोल दूंगा, क्योंकि NCERT में फीवर में यही दो बीमारी बात कर रही है खूब, है ना, और सस्टेन्ड होगा तो टाइफाइड बोल दूंगा, ठीक है, या कोरोना बोल दूंगा, फिर इधर आओ बेटा, सीट खाली हो जाएगी अभी वाली, मजे बैठोगे, अब बेटा ये बताओ अब गैस्ट्रुला स्टेज में क्या होगा, 9 महीने तक क्या होगा, डेवलपमेंट, उस 9 महीने के डेवलपमेंटल पीरियड को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, क्या गेस्टेशन, अलग अलग जानवरों में गेस्टेशन पीरियड की अवधि क्या होगी, अलग अवधि मतलब टाइम पीरियड अलग अलग, बच्चा उसके बाद 9 महीना हो गया, बेबी इज नाउ रेडी टू डिलीवर, अब बच्चा पैदा होने के लिए तैयार है, अब बेटा बेबी की डिलीवरी होना कहलाती है पार्टूरिशन, क्या कहलाती है, और हो गया पूरा प्रोसेस समाप्त, अब अगर मैं शुरू से बोलूं, अगर मैं शुरू से एक सीक्वेंस बनाना चाहूं तो बेटा ऐसे बना सकता हूं कि सबसे पहले हम करेंगे गैमेटोजेनेसिस, एकदम क्लियर, लिखते जाओ साथ साथ लिखते जाओ, गैमेटोजेनेसिस, मेल में होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में होगी ओजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के बाद गैमेट ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है, अरे यार गैमेट ट्रांसफर कर दिया मतलब इनसेमिनेशन, तो अगला स्टेप आ गया मेरा इनसेमिनेशन, बोलते ही नहीं है इनसेमिनेशन मतलब मेल फीमेल गैमेट का मेल में पहुंचा देना,
अरे भैया पूरा सिस्टम है पलट दोगे। इनसेमिनेशन, इनसेमिनेशन के बाद दोनों गैमेट का क्या होगा? मिलन। तो क्या हुआ? मिलने को फर्टिलाइजेशन। अरे तुम कहते हो फर्टिलाइजेशन, मैं सिनगैमी कह दूं कोई दिक्कत है क्या? नहीं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनेगा जाइगोट। जब जाइगोट डिवाइड करेगा तो शहतूत जैसे दिखने वाली छोटी स्ट्रक्चर मोरुला, ठीक है, इधर मोरुला नहीं बेटा, मोरुला, मोरुला डिवाइड करके क्या बनाएगी? ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला में ही क्या होगा आपका? इम्प्लांटेशन। बोलते ही नहीं है, इम्प्लांटेशन। अच्छा, इम्प्लांटेशन मतलब बच्चे का यूट्रस में फिक्स हो जाना। अच्छा, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ बच्चा गिर जाएगा। हाँ, अच्छा अच्छा, तुम्हें एक बात पता है, एक बात पता है, इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर पढ़ेंगे पढ़ेंगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। जो 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 एबॉर्शन पिल्स होती है वो करती क्या है? वो करती क्या है इधर, वो करती क्या है? वो सुनो तो पहले, बच्चा आराम से इसी यूट्रस के गद्दे पे लेटा हुआ है एकदम ऐसे करके, बोलो ये क्या करती है? नीचे से गद्दे पे खींच लेती है, समझ पाए? असल में यूट्रस की ये अंदर वाली लाइन इंडोमेट्रियम कहलाती है, अभी बताएंगे बताएंगे। तो होता क्या, वो इसी लाइनिंग को ही काट देती है। मतलब सोचो अगर मैं स्टेज पे आराम से ऐसे लेटा हुआ हूँ, दिख रहा हूँ तो एहसास कर लो, सुनो, अगर अगर मैं स्टेज पे लेटा हुआ हूँ और नीचे से कोई स्टेज पे खींच ले, समझ में आया, तो स्टेज के साथ हम भी बाहर, बोलो, तो यही यही लाइनिंग लाइनिंग यूट्रस से उड़ा दिया। अच्छा इधर देखो बेटा, इधर देखो इधर, तो अब बेटा यही लाइनिंग क्या होती है? कट के गिरती है, तो बच्चा क्या आ जाता है? बाहर। इतनी बात है एकदम क्लियर? अच्छा आओ 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 आओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अब बेटा वो वाला कहाँ गया? पिजवा। हाँ ये यहां तक हो गया। अब इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? बोलो यार, तीन लेयर बनेगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। शुरू के दो चैप्टर इंडोडर्म, उसके बाद के तीन मीजो, अंत वाला एक, और सबसे आखिरी मिक्स। अब बेटा क्या होगा? गैस्ट्रुला स्टेज आएगी। गैस्ट्रुला स्टेज के बाद आपका गेस्टेशन पीरियड 9 महीने तक क्या होगा? बच्चा हमारा डेवलप होगा। ये हम सब की कहानी है बेटा, अकेले मेरी की नहीं है। और उसके बाद बच्चा इज नाउ रेडी टू डिलीवर, पिज्जा इज रेडी टू डिलीवर, एंड डिलीवरी क्या कहलाएगी? पार्ट टू, रिशन, ओवर एंड आउट। बस इतना सा पढ़ना है बस ये बेटा। जिस दिन ये पढ़ लोगे ना पूरा चैप्टर खत्म, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसके अलावा बच्चा क्या? यही है भैया, अंत में क्या बनाना है? बच्चा। चले मिटाए। हम लोग ओवी पेरस हैं, हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है हम लोगों में, सेक्सुअल। अच्छा है वेजिटेटिव नहीं होता, बताया था ना, वरना नाखून काट के आएंगे, पता चला 10 बच्चे हो गए। कितना टाइम लगाओगे चाचा? हो गया भैया, ऊपर ऊपर ऊपर। ये बताओ, जो भी रिप्रोडक्टिव घटनाएं होंगी, मतलब स्पर्म का बनना या ओवम का बनना, ये बेटा प्यूबर्टी के बाद होता है। प्यूबर्टी कहने का मतलब, प्यूबर्टी आने का मतलब होता है, समझना, व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी का मतलब होता है कि देखो, जैसे बच्चा अभी पैदा हुआ, तो ये जो पैदा हुआ बच्चा होगा, ये तो अभी डिलीवर्ड बच्चा है। रुक जाओ बेटा, मत लिखो, जब बोला करें सिर्फ सुना करो। ये जो डिलीवर, ये अभी जो डिलीवर बच्चा है, ये इस बच्चे के अंदर क्या अभी स्पर्म या ओवम बनाने की ताकत है? नहीं। एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड बॉडी लेती है, ठीक है, एक पार्टिकुलर समय लेती है, तब वो अपने आप को सक्षम कर पाती है मेल या फीमेल गैमेट बनाने के लिए। बोलो। तो बेटा जैसे ही पहली बार बच्चे ने स्पर्म बनाया या महिला ने पहली बार ओवम बनाया, तो हम कहते हैं अब महिला या पुरुष में क्या आ गई है बेटा? तुम्हारी प्यूबर्टी। उसमें बच्चे हैं यार, महिला पुरुष ना बोलो, तो अभी उस समय क्या आ गई है तुम्हारी? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी समझ गए ना क्या होता है? अब बेटा ये बताओ, रिप्रोडक्टिव घटनाएं प्यूबर्टी के बाद होंगी कि पहले हो जाएंगे? बाद। इतनी बात एकदम क्लियर? तो ये सारी रिप्रोडक्टिव घटनाएं, गैमेटोजेनेसिस और ये सारा निपोरा जाम, ये तब होगा भैया जब फीमेल अभी मैच्योर ही ना हो, तो क्या वो बच्चा इम्प्लांट हो पाएगा? इम्प्लांटेशन छोड़िए साहब, जब मैच्योर नहीं तो फीमेल गैमेटे नहीं होगा, जब ना होगा गैमेट तो ना बनेगा जाइगोट, ना बनेगा जाइगोट तो खत्म हो गई कहानी। समझ में आ गया? तो बेटा रिप्रोडक्टिव एवेंट्स कब होते हैं? जब प्यूबर्टी के बाद से शुरू होते हैं। अब बेटा मेल और फीमेल में काफी डिफरेंसेस हैं। जैसे एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि मेल जो होता है वो बुढ़ोती तक स्पर्म बनाता है। हाँ, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, स्पर्म की संख्या 200 से 300 मिलियन नहीं होगी, स्पर्म की संख्या 200 से 300 मिलियन नहीं होगी, लेकिन मेल क्या करेगा? बुढ़ोती तक स्पर्म बनाएगा। वहीं पर फीमेल जो होती है उनमें जो ओवम होता है, ओवम मतलब फीमेल गैमेट, मैं चाहे फीमेल गैमेट बोलूं चाहे ओवम बोलूं, बात एक ही है, क्लियर? जो ओवम होता है वो 45 से 50 साल के आसपास ओवम बनना क्या हो जाता है? बंद। ओवम बेटा वीडियो गेम खेलो, वीडियो गेम ही नहीं खेलो कभी? वीडियो गेम खेले हो?
वीडियो गेम में बेटा वो जब वीडियो गेम रोकना होता है तो कौन सा बटन होता है? पॉज। हाँ याद आया, याद आया। अच्छा बेटा सुनो, हर महीने फीमेल में एक बार ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग को हम बोलते हैं मेंसेस। क्या बोलते हैं? मेंसेस। पक्का? क्या बोलते हैं बेटा? मेंसेस। तो बेटा अब जब फीमेल गैमेट नहीं बनेगा तो बताओ क्या फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेस आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, बोलते ही नहीं है यार। इसका मतलब मेंसेस क्या हो गया? उसका पॉज। और उसे बोलते हैं मीनोपॉज। मीनो वर्ड है मेंसेस से, पॉज का मतलब क्या होता है? रुक जाना। ये बताओ क्या हम लोगों में ऐसा कोई पॉज आता है कभी बेटा? मेल में आता है? नहीं आता। क्लियर? तो ये है मेल और फीमेल में डिफरेंसेस। अब सबसे पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा मेल खत्म करेंगे, देन जाएंगे हम किस पर? फीमेल पर। अगर बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पोजीशन की बात करें तो ये पेल्विक रीजन में पाया जाता है। सर ये पेल्विक रीजन क्या है? समझो बेटा, मैंने आपको बताया था कि यहां पर डायाफ्राग नाम, बोला ना करो बीच में एकदम, ठीक है, यहां पर डायाफ्राग नाम का क्या होता है? एक पट्टा पाया जाता है। और डायाफ्राम के ऊपर वाला रीजन कहलाता है थोरेसिक, नीचे वाला कहलाता है एब्डोमिनल। बोलो डायाफ्राम नाम का। बेटा अगर हम तुम्हें यहां से काटे ना, देखो कहां से बेटा, यहां से आरी ले और ऐसे 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 करके आरी हटा दे इधर से, तो बेटा इतना पोर्शन जब हटाओगे ना तो यहां पर बिल्कुल बकायदा ढोलक की तरह चारों तरफ पट्टा लगा हुआ मेरे। अरे मतलब समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब आगे से लेकर पीछे तक मसल का पट्टा है, और उस मसल के पट्टे को बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम के ऊपर कहलाता है थोरेसिक, डायाफ्राम के नीचे क्या कहलाता है? एब्डोमिनल। एंड एब्डोमिनल जो है लोअर मोस्ट एब्डोमिनल, क्या बोला? लोअर मोस्ट एब्डोमिनल पोर्शन आपका, मतलब ये कमर वाला पोर्शन, अरे कमरिया, कमर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं पेल्विक रीजन। क्या बोलते हैं? पेल्विक। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पाया जाता है? पेल्विक रीजन में। क्या ये बात एकदम क्लियर है? बोलो भैया एकदम क्लियर है। क्या एब्डोमिनल, क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एब्डोमिन के अंदर रखा हुआ है? क्या पेल्विक रीजन मतलब कमर वाले रीजन पर? यहां तक क्लियर है? अब सुनो बेटा, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो उससे पहले मुझे आपको सिखाना पड़ेगा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है। देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डिफरेंस, एग्जाम्पल ज्यादा नहीं दूंगा अभी सेकेंडरी के क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन देंगे आज ही। पहले इनमें अंतर समझो। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उस संरचना को कहते हैं, प्राइमरी, लड़के फोकस करो इधर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रिप्रोडक्शन रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में है, ठीक है, तो उनमें हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उस स्ट्रक्चर को कहेंगे जो गैमीट बनाएगा। क्या बोला? जो गैमीट बनाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। कई किताबें लिख देती हैं कि जो गैमीट बनाएगा और हार्मोन भी बनाएगा उसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ये बात अधूरी है, बात सिर्फ इतनी है, ये बात थोड़ी गलत है, इसलिए क्योंकि सेमिनल वेसाइकल भी हार्मोन बनाता है आपका, ठीक है, और भी स्ट्रक्चर है जो हार्मोन बना सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह जो भी। अब सुनो मेरी बात, पहले मुद्दे की बात। तो मैंने क्या कहा कि जो गैमीट बनाएगा वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल में बनाएगा टेस्टिस, फीमेल में बनाएगा ओवरी। तो ये क्या हो गया बेटा? हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इनके अलावा जितनी संरचनाएं हैं वो सब की सब क्या हो गई तुम्हारी? सेकेंडरी। तो सर बाकी बची हुई संरचनाएं क्या कर रही है? गैमीट तो बन गया, टेस्टिस ने मेल गैमेट बना दिया, और फीमेल में ओवरी ने क्या बना दिया? फीमेल गैमेट। तो बाकी स्ट्रक्चर क्या है बेटा? बाकी स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में मदद करती हैं, समझना बेटा। ओवरी के बाद वो बच्चा फिर अटकाओगे कहां पर? यूट्रस में ही तो अटकाओगे। तो ये सब किसमें चले आए? सेकेंडरी। समझ में आया यहां तक बेटा? अब बेटा समझो, टेस्टिस और ओवरी को हम लोग गोनेट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोनेट। गोनेट मेल गोनेट क्या कहलाएगा? टेस्टिस। फीमेल गोनेट क्या कहलाएगा? ओवरी। अब अगर हम बात करें टेस्टिस की, अब इधर देखना बेटा, तो अगर मैं बात करूं टेस्टिस की, तो टेस्टिस आपका ओवल शेप्ड होता है। ओवल मतलब अंडाकार शेप होता है टेस्टिस बेटा। एक या दो? दो। बोलो भैया, तो टेस्टिस हमारा ओवल शेप्ड होता है, दो होता है, लेकिन मैं टेस्टिस को साइड से दिखा रहा हूं, साइड से समझ लो, इस तरफ से, ठीक। अब बेटा इधर एक टेस्टिस इसके पीछे होगा, अरे एक टेस्टिस इसी के पीछे होगा। अगर मैं बात करूं टेस्टिस की, तो बोलो दो तीन चार पांच, दो तीन चार पांच। अबे इतना नहीं बोल पा रहे, दो तीन चार पांच, खत्म। अच्छा अब बेटा ये बताओ, मैं कह रहा हूं दो से तीन, चार से पांच, ये बताओ इस रूम की लंबाई किसे बोलोगे? इसे बोलोगे या इसे बोलोगे? हाँ इसे बोलोगे ना। लंबाई का मतलब ही होता लंबा वाला पैरामीटर। अरे मतलब इस लेवल के भी कुछ बकलोल होते हैं ना, मतलब मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, पता है, मतलब भाई साहब एक लड़का बैठ के माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ और विड्थ रख रहा था, लेंथ ये होती है, विड्थ ये होती है। अबे लेंथ मतलब ही होता है लंबा वाला पोर्शन, विड्थ मतलब होता है चौड़ाई। अरे मेरी भाई लंबाई ये है कि चौड़ाई ये है? लंबाई। लंबाई का मतलब ही हुआ लेंथ भैया। तो अब देख के बता दो चचा
कि 4 से 5 क्या होगी इसकी लंबाई पक्का, और 2 से 3 क्या होगी चौड़ाई या मोटाई, बोल दीजिए से इतनी बातें एकदम क्लियर है, बोल दो भैया। अब इधर देखना बेटा, सेंटीमीटर होगी कि किलोमीटर, बहुत समझदार है आप। तो बेटा क्या हो गया, 4 से 5 सेंटीमीटर क्या हो गया लेंथ, और आपका 2 से 3 सेंटीमीटर हो गया विड्थ। इतनी बातें एकदम क्लियर है। अब बेटा इधर देखना, अगर हम बात करें टेस्टिस की, सुनते जाओ एक एक बात मेरी गौर से, टेस्टिस की, तो बेटा टेस्टिस हमारा रखा होता है एक पाउच में, और जी उस पाउच का नाम होता है स्क्रोटम। इधर देखना, इधर ये आपका पाउच हो गया, और इस पाउच को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। बस कुछ नहीं, स्क्रोटम है कुछ नहीं, स्क्रोटम एक्चुअली में स्किन ही है, ठीक है। स्किन का क्या है, फोल्ड, यहाँ पर फोल्डेड स्किन होती है, देखना फोल्डेड मतलब घुमावदार, फोल्डेड स्किन होती है, और इसी के अंदर क्या रखा होता है आपका टेस्टिस। अब टेस्टिस बेटा 2 से 3 4 से 5, हाँ देख 2 से 3 4 से 5 एकदम क्लियर। अब सुनते जाना, टेस्टिस जो स्क्रोटम नाम की स्किन के पाउच में रखा होता है, अब स्क्रोटम का काम क्या है पहले ये समझो। एक मजेदार बात सुनो पहले, तुम पूछो क्या, जो टेस्टिस है वो असल में जान तो बनते कहां है, स्क्रोटम में नहीं बनते हैं, बनते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। मेरी बात समझिएगा, टेस्टिस बनते कहां है, एब्डोमिनल कैविटी में, स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं होते हैं। अगर 7 महीने से कम का बच्चा देख लोगे ना, मां के अंदर यूट्रस में हो, उस समय की बात कर रहा हूं, इंट्रा यूट्राइन लाइफ, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, अगर यूट्रस के अंदर 7 महीने से कम का बच्चा है, अगर उसका स्क्रोटम काट के चेक किया जाए टेस्टिस नहीं मिलेगा उस समय, क्योंकि ये आपका टेस्टिस किस में होता है, एब्डोमेन में। समझ में आया। अब इधर देखना बेटा जल्दी से, जैसे मान लो ये कोई महिला है, अरे पुरुष है यार, पुरुष है, महिला कहां आ गई यहां पे, इधर ये क्या है, पुरुष है। अब बेटा ये हो गया मान लीजिए स्क्रोटम, ठीक है स्क्रोटम, और अभी अभी अच्छे समझना, ये मेल है लेकिन बच्चा है, क्या है अभी बच्चा, अरे मम्मी के अंदर की बात हो रही कि बाहर की, अंदर, मम्मी के अंदर बच्चा है जो अभी 7 महीने का नहीं हुआ है, तो उस समय क्या होगा, टेस्टिस आपके कहां रखे होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में, मतलब इस रीजन में, क्लियर। अब ये टेस्टिस क्या होते हैं, एक नाली के माध्यम से 7वें महीने में सरक के किस में गिरते हैं, खट से स्क्रोटम में। डिटेल में बेटा कई किताबें आपसे क्वेश्चन पूछेंगी, स्पर्मेटिड कॉर्ड, ट्यूबरकुलम, ये सारे क्वेश्चन जहां मिले वहां पर बेटा आग लगा देना, ठीक है, क्योंकि अब ये सब पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। इनग्विनल कैनाल की बात करेगा, इस नाली का नाम, तो ये सब आपके सिलेबस में है नहीं, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा यहां पर। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म क्या होता है, फिर हम बताएं, क्रिप्ट मतलब छिपा हुआ, ऑर्किड मतलब, तो ये सारी बातें आपके सिलेबस से हो गई हैं बाहर, तो कभी भी इस तरीके के सवाल क्रिप्ट ऑर्किडिज्म पे बात करें या ट्यूबरकुलम पर बात करें या स्पर्मेटिक कॉर्ड पर बात करें, इनग्विनल कैनाल पे बात करें, तो खट से क्वेश्चन काट देना। समझ में आया, जितना बता रहे हैं बस उतना ही सिलेबस है, और उससे ज्यादा पढ़ना मत, वरना हम कह रहे हैं बेटा जरूरत से ज्यादा फालतू नॉलेज कोड़ बन जाता है, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा बुराई क्या होता है मालूम है, कि वो रिमूव नहीं होती, तो जब दोबारा पढ़ोगे ना तो तुम्हें ज्यादा पढ़ने में वो रहता है, यार पढ़े एक बार और पढ़ने, इतनी मेहनत किए थे कभी, अरे मेहनत करके कोड़ पाल लियो तो क्या पाले ही रहोगे क्या, अरे लॉजिकल बात करना। तो बस इतना जानो, हम तो कह रहे महीना भी भूल जाओ, 7वां महीना भी नहीं पूछेगा तुमसे, बस इतना जान लो टेस्टिस रखे कहां होते हैं, एब्डोमेन में, सरक के गिरते किस में है, स्क्रोटम में। यहां तक बातें क्लियर है। इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, कि बच्चा पैदा होने के बाद, इंट्रा, इंट्रा मतलब हुआ अंदर, जब हम यूट्रस के अंदर पल रहे होते हैं, क्लियर। अब इधर देखना बेटा जल्दी से, जो टेस्टिस रखे होते हैं वो स्क्रोटम में। सर जी एक बात बताओ सर जी, टेस्टिस को हमने बाहर क्यों लटका रखा है, ठीक है, क्योंकि बेटा एब्डोमिनल कैविटी तो खत्म, उसके बाद टेस्टिस क्या होते हैं हमारे बेटा, बाहर की तरफ लटके हुए हैं, ठीक है, हमने इसे बाहर लटकाया क्यों है, ओवरी के साथ हम ऐसा नहीं करते हैं, ओवरी क्या होती है, ओवरी यहां पर मौजूद होती है, हाथ देखो पोजीशन एक्यूरेट होती है मेरी, इधर ओवरी यहां पर मौजूद होती है, इधर इधर इधर, ठीक है, ओवरी इस साइड मौजूद है, लेकिन टेस्टिस को हमने क्या किया, बॉडी से बाहर लटकाया है। ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि टेस्टिस स्पर्म तभी बना सकता है जब उसको टेम्परेचर, चुप रहना बोलना मत बेटा, बोलने दो, उसको टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम मिले। मैंने ये नहीं बोला आपसे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर टेस्टिस आपका स्पर्म बनाएगा, मैंने ये नहीं बोला, मेरी बात को दोबारा सुनिए, टेस्टिस स्पर्म प्रोडक्शन तभी कर सकता है जब टेस्टिस को बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम मिले। बॉडी टेम्परेचर है मेरा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब टेस्टिस स्पर्म बनाएगा, 37 में 2.5 कम करो कितना हो गया, 34.5, तो 34.5 और 2 कम करो, अरे रेंज दिया ना 2 से 2.5, तो टेस्टिस कब बनाएगा बेटा स्पर्म, जब उसे मिलेगा 34.5 से
35 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। इतनी बातें एकदम क्लियर? सर जी तो बॉडी के अंदर वह रहता, दिक्कतवा क्या है? दिक्कत यह है कि बॉडी का ओवरऑल टेम्परेचर कितना है? 37। तो हमने क्या किया, इसे बॉडी से बाहर लटकाया। इसलिए समझ में आया या नहीं आया बोलो भाई, कितने लोगों को क्लियर है? हाथ ऊपर करो ये बात। तो इस बात को फोकस करना एग्जाम में, वो एग्जाम में तुम्हें आप फंसा सकता है। कह देगा कि स्क्रोटम जो है आपका, भाई स्क्रोटम में ही लटके हुए हैं, बोलो स्क्रोटम जो है वो टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करता है। गलत, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपका बॉडी टेम्परेचर से कम मेंटेन करता है, मतलब 34.5 से 35। बोलते ही नहीं है यार, इतनी बातें एकदम क्लियर है? अच्छा ऊपर देखो, ऊपर 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 ऊपर। मान लो गर्मी का दिन है, अब सुनो कैसे स्क्रोटम कैसे मदद कर रहा है, पहले ये देखो। मान लो गर्मी का दिन है, भयानक गर्मी है, तो बताओ इस समय स्क्रोटम को, ठीक है, ज्यादा गर्मी फेस करनी पड़ रही होगी या कम? बोलते ही नहीं यार, ज्यादा गर्मी फेस करेगा, ठीक है। तो इस समय समझना ये क्या करते हैं, इस समय क्या करती हैं जो स्क्रोटम की मसल्स होती हैं, इधर देखना, स्क्रोटम की जो मसल्स होती हैं वो लूज हो जाती हैं, ठीक है, ताकि टेस्टिस और नीचे आ जाए। नहीं समझ पाए, जब स्क्रोटम की मसल लूज होंगी तो टेस्टिस क्या होगा, और नीचे आएगा। बोलो, जब और, सुनो, और नीचे आएगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा या घटेगा? अरे ये जो स्क्रोटम है ये, तभी तो बोल रहा हूं तुम सुन ही नहीं रहे हो, ये फोल्डेड है बेटा, ये फोल्डेड स्किन है, अर्थात ये भी खिंच सकती है। बोलो भाई, तो बेटा अब क्या होगा, जब और नीचे आएगा तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा। सरफेस एरिया ज्यादा तो हीट लॉस भी क्या होगा, ज्यादा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मान लो बाहर बहुत सर्दी है, तो सर्दी के मौसम में आसपास का टेम्परेचर क्या होगा, कम। बोलो, और मान लो यहां स्क्रोटम के आसपास टेम्परेचर हो गया मान लो 32 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इतना भी कम नहीं चाहिए, कितना चाहिए था, 34.5 से 35। तो स्क्रोटम क्या चाहेगा, कि बॉडी से टेस्टिस को टच करा दें या अलग रखें? टच करा दें। जब बॉडी से टच कराएंगे तो बॉडी से ही ट्रांसफर होगी, क्योंकि बॉडी का 37 है। बोलो, अब कब मसल क्या करेंगी ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आप यहां पर फंस जाएंगे कि स्क्रोटम कैसे मदद करता है, ठीक है, टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? विद, बस इतना जानो, विद द हेल्प ऑफ मसल्स। यहां तक बात एकदम क्लियर है? मसल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराकर वो क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर से टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देता है, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस हो। यहां तक बातें एकदम क्लियर है भैया? आओ अब इधर देखो, अब अगर मैं एक टेस्टिस को, हमारे कितने टेस्टिस हैं, 1 की 5, 1, 2 इधर बेटा, अब अगर टेस्टिस को हम काट कर देखें, समझना मेरी बात, मैं हमेशा बोलता हूं जब भी किसी चीज को काटिए तो पहली चीज होती है कि आपने किस एंगल से काटा है। जैसे सेब काटा है, ठीक है, बिल्कुल उसी फॉर्म में हमने क्या काटा, टेस्टिस। जब मैंने टेस्टिस को काट कर देखा, इधर देखना बेटा, जब मैंने एक टेस्टिस को काट के देखा तो एक टेस्टिस के अंदर हमें 250, कितने, 250 कमरे मिले। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ भाई साहब, टेस्टिस खुद है 4 से 5 सेंटीमीटर का, 4 से 5 सेंटीमीटर मतलब कुछ नहीं, इतना, और उसमें भी उस टेस्टिस में भी कितने कमरे हुए, 250। ये 250 जो कंपार्टमेंट है, इधर देखना बेटा, एक गिनो बेटा, 2, 3, 249, 250। तो ये जो तुम्हें 250 कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, क्लियर, हम इन्हीं को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब समझते जाना, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर पड़े होते हैं पाइप। क्या पड़े होते हैं? पाइप, जो आपका स्पर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पर्म। और इसके अंदर जो आपके पाइप पड़े होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। पूछो गुरुजी एक लोब में कितना होगा, पूछो एक लोब में कितना, बेटा एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 से ऊपर नहीं, 1 से कम नहीं, 1 से कम मतलब खत्म। बोलो भैया, तो एक लोब में एक भी हो सकता है, 2 भी पाइप हो सकता है, और हो सकता है आपका 3 भी पाइप हो। बोलो, तो इधर देखना अच्छे से, और इन्हीं पाइपों को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्यों बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अभी आगे बताएंगे, सीमेन नाम की एक कहानी आएगी। इधर देखो, इन पाइपों को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहां तक बातें क्लियर है बेटा? सेमिनिफेरस, इन्हीं ट्यूब के अंदर बनता है हमारा मेल गैमेट। यहां तक बातें क्लियर है चाचा?
पक्का। अब इधर देखो, अब इधर देखो और समझो, हमने क्या किया, सुनो तो, सुनो तो, हमने क्या किया, सुनते ही नहीं। अच्छा, हमने क्या किया, एक लोब पकड़ के निकाला, टोटल लोब कितने लड़की 250, एक लोब पकड़ के निकाला, ठीक है, और उसको काटा खच से, और पाइप को हम सामने से देख रहे हैं। अबे इसी एक, इसी ये दो तीन पाइप पड़ी है ना, पड़ी है ना, इन्हीं तीन पाइप को निकाल लो और सामने से देखोगे तो मेरा मानना है पाइप गोल दिखाई देगी। हमें यार अगर तुम इसी चीज को, ये पाइप जैसा है, अगर इसी चीज को सामने से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, गोल। जब भी किसी डायग्राम को बनाने जाते हैं पहला काम होता है हमें एंगल पता होना चाहिए कि हम उस डायग्राम को किस एंगल से देख रहे हैं। यहां तक बात एकदम क्लियर है। आगे बढ़े इससे पहले एक सवाल बताइए, पूछे ये बताओ, एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल, 250, पक्का। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक में कितनी, 1 से 3, पक्का। अगर मैं पूछूं कि एक टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी, तो बेटा 250 कंपार्टमेंट। अगर मान लो सब में एक एक है तो हम कितनी बोल देंगे, 250, और मान लो सब में 300 है, तीन तीन है तो 250 × 3 = 750। अरे पक्का, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी होती है बेटा, एक लोब में, एक एक लोब्यूल में 1 से 3। अगर सब में हम एक मान लें तो 250 कमरे में सब में एक एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल माने तो कितना हो जाएगा, 250, और सब में तीन तीन मान लें तो कितना हो गया, 750। अबे 250 × 3 = 750। और अगर दोनों टेस्टिस पूछ, वे सुनो बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया मुंह पे, अगर दोनों टेस्टिस पूछ लिया तो डबल मार देना। अरे यार तो बेटा क्या हो जाएगा, 500 से 1500, बोलो 500 से 1500। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना पूछा क्या है, समझ में आया, एक टेस्टिस पूछा है कि दो टेस्टिस पूछा है, यहां तक बात एकदम क्लियर है भैया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको काट रहा हूं और काटने के बाद इसको मैं सामने से देखूंगा तो मेरा मानना है पाइप मुझे गोल गोल दिखाई देंगे। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ अगर मैं इसे काटू खचाक और काटने के बाद, इधर सुनो तो, काटू ऐसे खचाक और काटने के बाद मैं जब सामने से देखूंगा तो मुझे एक आध गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई देंगे कि कई सारी, क्योंकि कई सारे पाइप कटेंगे एक बार में। आओ बेटा अब उस डायग्राम को देखते हैं। गुरुजी उसको क्यों दिखा रहे हो, वजह भी बता रहे हैं। ये देखो बेटा, ये है वो पाइप। गुरुजी ये कौन सा पाइप है, अबे ये पूरा ऐसे लंबा सा है ना, बदतमीजी तो तुमने करी है काट के, बोलो। ये बेटा हो गया एक पाइप, या मान लो इधर मैंने साइड में एक और बना दिया, या बना दिया एक और, और गुरुजी अब आपने एक और बना दिया ना, तो हम समझ जाएंगे कि आपने एक से ज्यादा लोब काट दिए। अगर आपने एक लोब काटा है, समझ पाए नहीं, एक लोब काटा है तो 300 ऊपर आप पाइप नहीं बना सकते, है ना। इन पाइपों का नंबर हम भूल गए क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, 1 से 3। टेस्टिस में कंपार्टमेंट कितने, 250। अब बेटा देखना, अब जब हम इधर, सुनो इधर, ये जो पाइप है इधर, पाइप के बीच में ये तुम्हें स्पेस दिखाई दे रहा है, पाइप के जो बीच में स्पेस है, स्पेस के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है इंटरस्टीशियम, इंटरस्टीशियम मतलब खाली जगह, और इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टीशियल स्पेस। कहीं पर भी इंटरस्टीशियम शब्द इस्तेमाल हो जाता है इसका मतलब होता है खाली जगह। अरे ना पता हो तो लिख लो, शर्माओ नहीं, बगल वाला भी इसलिए नहीं लिख रहा है तुम्हारे चक्कर में, पूछो क्यों, तुम उसे देख के नहीं लिख रहे हो कि वो क्या सोचेगा, और यही वो भी सोच रहा है कि तुम क्या सोचोगे। अब देखो कितने लोग लिखने लगे, इंटरस्टीशियम मतलब खाली जगह, इंटरस्टीशियम, INTERTITUTI लिख लिया, INTERTITUM इंटरस्टीशियम, टेस्टिस कैसा होता है बेटा, ओवल शेप। चलो भैया हो गया तो बताओ जल्दी से, इस इंटरस्टीशियल स्पेस में, ओ चचा, इस इंटरस्टीशियल स्पेस में जो सेल मौजूद होगी, यार मैं तो उसका नाम रख दूंगा इंटरस्टीशियल सेल, कोई प्रॉब्लम। और यहां पर मैंने क्या बना दी बेटा, ये क्या बनाया था, कुछ नहीं ना, एरो है, हाँ स्पेस, ये स्पेस इंटरस्टीशियल स्पेस है ना। यहां पर जो सेल पाई जाएंगी उन्हें मैं बोलूंगा इंटरस्टीशियल सेल। अब इधर देखो बेटा, क्यों क्यों इंटरस्टीशियल सेल, क्योंकि पाइप के बीच के स्पेस में है बेटा। इन्हीं का दूसरा नाम है लेडिंग सेल। कौन सी सेल है, लेडिंग सेल। पहले सोचो तुम कहां चले आए हो, एक टेस्टिस के अंदर 250 कमरे, उसमें एक कमरे के अंदर, समझ पाए, लेकिन अभी पाइप में नहीं घुसे हो, पाइप के अगल बगल टहल रहे हो, मतलब कहां गई, मतलब यहां टहल ले हो। अरे
यहाँ टहल लो चारों तरफ पाइप के, है ना, अभी चल ले पाइप के अंदर चल ले। तो बेटा वहां पर हमको मिली कौन सी, लीडिंग सेल, जिसका दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टीशियल सेल। अभी बता रहे हैं क्या करेगी, इंटरस्टीशियल सेल। अब आओ एक पाइप के अंदर घुसते हैं इधर, हेलो, हाँ एक पाइप के अंदर घुसते हैं। एक पाइप के अंदर जब हमने घुसा तो बेटा स्पर्म पैदा करने वाली सेल पक्का मौजूद होगी। एक चीज बताओ यार, मूड खराब हो जाता है जब तुम ये बात कर देते हो, जब मैंने ये कहा कि सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर स्पर्म बनता है पक्का। तो किचन में रोटी बनती है, इसका मतलब आटा भी किचन में ही मौजूद होगा, उसे हम बाथरूम में नहीं रखते हैं, समझ में आया। अगर स्पर्म बन रहा है सेमिनिफेरस टिब्यूल में, तो इसका मतलब उसका जुगाड़ भी कहां होगा, सेमिनिफेरस टिब्यूल, बोलते ही नहीं है। अच्छा तो बेटा ये सेल है जो आपकी स्पर्म बनाएगी, क्या बनाएगी, स्पर्म। गुरुजी बीच बीच में छोड़ दियो, बता रहे हैं, चुप रहो एक सेकंड। और ये स्पर्म बनाने वाली सेल का नाम, मेरी मम्मी का नाम साहिल्स मदर, तो स्पर्म मदर सेल, या इसी को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। अभी कुछ मियोसिस वियोसिस हुई है क्या, नहीं, जब तक मियोसिस ना हो हैप्लॉइड शब्द इस्तेमाल मत कर देना, क्लियर। अच्छा ये बताओ स्पर्मेटोगोनिया में को अभी आप क्या, ह्यूमन क्या है, डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है, डिप्लॉय। हमारे गैमीट छोड़ दो, मेल और फीमेल गैमीट, तो बाकी पूरी सेल हमारी क्या है, डिप्लॉय। स्पर्मेटोगोनिया क्या होगी, डिप्लॉय। लेडिंग सेल क्या होगी, डिप्लॉय। ब्रेन की सेल क्या होगी, डिप्लॉय। लिवर की सेल क्या होगी, डिप्लॉय, पक्का। अच्छा इधर देखो बेटा, इधर इन स्पर्मेटोगोनिया के बीच में, इन स्पर्मेटोगोनिया के कैसे होता है, हो गया, इन स्पर्मेटोगोनिया के बीच में पाई जाती है लंबी लंबी सेल, और ये लंबी लंबी सेल जो है, ये बना दिया मैंने इनका न्यूक्लियस, ये कहलाती है सर्टोली सेल। कौन सी सेल, सर्टोली सेल, क्लियर। आप समझना बेटा, इसे सर्टोरी भी, कुछ किताबें सर्टोरी लिखती है, कुछ सर्टोली लिखती है, क्लियर। तो ये जो सर्टोरी सेल होती है, समझना, ये सर्टोरी सेल क्या करती है, आप कॉमन सेंस लगाना। अगर स्पर्मेटोगोनिया तुम्हें स्पर्म बनाना है, तुम हो बेटा डिप्लॉइड 2n, और तुम्हें करनी पड़ेगी अब क्या, मियोसिस, क्योंकि गैमेट हमेशा क्या होंगे, हैप्लॉइड। तो स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस कराओगे, रिडक्शन डिवीजन बताया था ना, तो स्पर्मेटोगोनिया में जब मियोसिस होगी तभी क्या बनेगा आपका, स्पर्म। बोल दो भैया, बोल दो भैया। अच्छा तो अब बेटा ये बताओ, मतलब स्पर्मेटोगोनिया को डिवाइड करना पड़ेगा, और सेल डिवाइड करेगी तो क्या चाहिए होगी, एनर्जी, एनर्जी चाहिए होगी उसके साथ, एनर्जी को, एनर्जी पैदा करने के लिए चाहिए होगा रिस्पायरेशन, क्योंकि रिस्पायरेशन एक, देखो संसार के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनमें एनर्जी पैदा करने का एकलौता तरीका है रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन तभी कर पाओगे जब कुछ तोड़ने के लिए रहेगा, और एनर्जी कैसे लोगे, जब कुछ तोड़ने के लिए रहेगा। तो इसका मतलब स्पर्मेटोगोनिया को क्या चाहिए होगा भैया, नरिशमेंट, अरे, और वो देती है सर्टोली सेल। यहां तक बातें एकदम क्लियर है भैया, बोल दो चचा। अच्छा अब बेटा ये हो गया तुम्हारा, अब एक बात सुनना, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल क्या होती है, एक्सप्लेन करोगे, अगर आइडिया हो तो थोड़ा बताओ मुझे, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल। इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल, इम्यून से रिलेटेड, हाँ बात तो सही है, बस कॉम्पिटेंट का मतलब नहीं पता था, वरना उसकी भी हिंदी बता देते सर। हाँ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल, कोई एक्सप्लेन करेगा भाई, एनसीईआरटी की लाइन है। अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट है, हम बताएं, हमको पता है, सुनो, अच्छा अच्छा सुनो, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल का मतलब समझना बहुत कायदे से, जो तुम्हारे इम्यूनो सिस्टम से कंपटीट करता है, मतलब तुम्हारे खुद के प्रतिरक्षा तंत्र से लड़ता है। सर अपने प्रतिरक्षा तंत्र से लड़ने की क्या जरूरत है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, अगर जरूरत से ज्यादा आपका इम्यूनो सिस्टम एक्टिव हो गया ना, तो आपकी ही WBC आपके ही अंगों को खाने लगेंगी, समझ में आया, याद करिए बताया था ऑटो इम्यूनो डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एग्जांपल था, ग्रेविस डिजीज एग्जांपल था, याद आया, और एक था आपका मायस्थीनिया ग्रेविस। तो बेटा सुनो, जरूरत से ज्यादा अगर आपका इम्यूनो सिस्टम वर्क करने लगा ना, तो ये आपके ही WBC आपके ही लंग्स को, आपके ही लिवर को खाने लगेंगे और उसी पर अटैक कर देंगे, समझना बात को। अब बेटा इसका मतलब ना इम्यूनो सिस्टम बहुत हाइपर एक्टिव हो,
ना अंडर एक्टिव हो। अंडर एक्टिव होगा तो बाहर से बैक्टीरिया अटैक कर देगा, हाइपर एक्टिव हो गया तो वो खुद तुम पे अटैक कर देंगी। बोलो भैया अब हम तुमसे क्या कह रहे हैं, अब तुमसे हम क्या कह रहे हैं, इधर देखो इधर इधर। अब बेटा अगर मान लो ये स्पर्म बन गया, ये है स्पर्म, ये बना हुआ है, देख रहा बेटा ये स्पर्म देखो सर्टोरी सेल की तरफ भाग रहा है। देखो ये स्पर्म, तुम सर्टोरी सेल के पास क्यों जा रहे हो, क्योंकि इनके पास है खाना और ये देंगी नरिशमेंट। अरे एकदम क्लियर है। अच्छा ये बताओ सर्टोरी सेल तो हम ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे हॉस्टल में नर्स लोग मदद करती हैं। बोलो भाई तो क्यों ना मैं सर्टोरी सेल का दूसरा नाम नर्स सेल बोल दूं, कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि ये नर्सिंग किसकी कर रही है, आपकी स्पर्म की। स्पर्म वहां बनने के बाद पता क्या करते हैं, इसी सर्टोरी सेल में अपनी खोपड़ी धंसा देते हैं और नरिशमेंट मिलना होता है। बोलो भाई तो इसीलिए सर्टोरी सेल का दूसरा नाम क्या कह दिया, नर्स सेल। अब समझो स्पर्म मौजूद है, ठीक स्पर्म मौजूद है और टोटल दिन हो गए 72। दिन छोड़ो एक पार्टिकुलर टाइम हो चुका है स्पर्म का, ठीक है। देखो भाई जो आया है वो जाएगा जरूर, जो सेल बनी है वो मरेगी जरूर, ठीक। और स्पर्म अभी तक टेस्टिस से बाहर नहीं निकाले गए हैं। अरे बोलो भाई स्पर्म अभी तक टेस्टिस से बाहर नहीं निकाले गए हैं और एक लंबा टाइम हो गया, तो ये जो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल होंगी, इधर देखो ये जो आपकी अरे भैया क्या चल रहा है सब, इधर ये जो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल होगी, रुको थोड़ा डेंजरस बनाए, ये क्या करेंगी, ये आएंगी और स्पर्म को तोड़ना चालू कर देंगे, ठीक है। बेटा तुम्हारा समय समाप्त, क्योंकि सेल अब स्पर्म तुम मेरे काम के नहीं। कहन क्यों, कहन हर सेल की एक उम्र होती है और तुम वो उम्र डाक गए, ठीक है, और तुम हो चुके हो असफल। अब बोलो हाँ या ना, बोलो ये भी गुस्सा जाए, कहते हमको मौका नहीं मिला। इधर देखो अब इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल को इसे मारना है, बॉडी की खुद की सेल को मार रहे हो तुम, क्योंकि स्पर्म है तो तुम्हारी सेल ना, बॉडी की खुद की सेल को मारने के लिए तुम्हें अपने खुद के प्रतिरक्षा तंत्र से लड़ना पड़ेगा। अरे भाई खुद की सेल को अगर मारना है, खुद सोचो ना यार, अगर बॉडी की खुद की सेल को मारना है तो आपको अपनी बॉडी के खुद के सिक्योरिटी सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ पुलिस हमारी किस लिए, सुरक्षा के लिए है। आर्मी हमारी किस लिए है, सुरक्षा के लिए है। तुम किसी इंसान को बाहर गोली मार के देख लो, तो जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए है ना, ठीक है, वही तुम्हारी दुरक्षा करेंगे बहुत कायदे से, मतलब समझ रहे हो कि नहीं, दोनों तरफ से रक्षा करना। तो बेटा अभी क्या है, जो सिक्योरिटी सिस्टम है हमारा, ठीक है, अब इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल को उससे लड़ना है, क्योंकि स्पर्म को क्या हमारी बॉडी चाहेगी कि मरे, बोलो भाई नहीं। तो इसी वजह से इनका नाम पड़ा इम्यूनोलॉजिकल, अर्थात हमारे इम्यूनोलॉजी समझते हो ना क्या होता है, मतलब हमारा इम्यूनो सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम इम्यूनोलॉजिकल। ये क्या हो रहा भैया, कॉम्पिटेंट मतलब होता कंपटीशन रखना, कॉम्पिटेंट अरे आपस में प्रतिस्पर्धा करना, कॉम्पिटेंट सेल। अब ये बताओ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल ऊपर 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 इंटरस्टीशियल स्पेस में होंगी या ट्यूब के अंदर, इंटरस्टीशियल। जब वक्त आएगा स्पर्म, तुम्हारा वक्त हो गया, ये जल्लाद आएगा स्पर्म को तोड़ ताड़ के बहा देगा। बोलो सर ना तोड़ते पड़ा रहने देते क्या जाता है, जाता है पूछो क्या भैया, स्पर्म को तोड़ोगे स्पर्म है सेल और सेल बनी है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन मिनरल। बोलो तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन मिनरल नए स्पर्म बनाने में इस्तेमाल हो जाएगा। बोलो इतनी बातें एकदम क्लियर हो गई है, चाचा क्लियर हो गई है, इतना मन से क्या देख रहा बे, इतनी बातें एकदम क्लियर हो गई है। अच्छा अब बेटा ये देखना एक चीज सिखाते हैं, पूछो क्या, कौन सा डायग्राम है, हाँ ये वाला। 250 कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल, हर एक में 1-3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ये सारे पाइप आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ये सारे पाइप एक दूसरे से आपस में क्या हो रहा है, जुड़ जा रहे हैं और जुड़कर यहां पर एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये सब पाइप है देख रहे हो ना, जुड़कर आपस में एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बना रहे हैं बेटा। और ये जाल नुमा स्ट्रक्चर टेस्टिस में बन रहा है कि ओवरी में, टेस्टिस में, इसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस। ये बेटा ये ढेर सारे पाइप मिलकर यहां पर जाल नुमा नेटवर्क बना लिए, ये पाइपों का जाल बना लिए और इन्हीं जालों को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटी टेस्टिस। अब इधर देखना, थिन पॉइंट मतलब ये हुआ, अब मेरा हाथ तेज चलेगा, इधर इधर देखो बेटा। और ये सारे जाल नुमा स्ट्रक्चर से पतले पतले पाइप निकले होते हैं और ये पतले पतले पाइप, ये सारे पाइप आपस में कनेक्टेड है, मेरी बात समझना। स्पर्म यहां से निकलेगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, टेण 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 साउंड के साथ निकलता है, पता है यार। इधर
अब बेटा सेमिनिफेरस टिब्यूल से रेटी टेस्टिस, और रेटी टेस्टिस से घूमता घुमाता नाचता घूमता हुआ वो किधर जाएगा तुम्हारा, इन पाइपों में। और ये जो तुम्हें जो 6 से 8 पाइप दिखाई दे रहे हैं ये कहते हैं वासा इफरेंशिया। क्या बोलते हैं? वासा इफरेंशिया। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई बच्चों? एकदम क्लियर। और वासा इफरेंशिया, अब इधर देखना आगे की कहानी क्या है। वासा इफरेंशिया, मेरा मानना वासा, अगर मुझसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्पर्म टेस्टिस को छोड़ेगा किस पाइप के थ्रू, वासा इफरेंशिया। एकदम क्लियर। सबसे पहले सेमिनिफेरस टिब्यूल में बना, फिर रेटी टेस्टिस में गया, फिर कहां गया? वासा इफरेंशिया। आप समझना बेटा, ये जो टेस्टिस है, अगर मैं टेस्टिस को उठाऊं, हाथ तो देख भाई, अगर मैं टेस्टिस को उठाऊं और पीछे से दिखाऊं, अरे टेस्टिस को उठाऊं और पोस्टीरियरली दिखाऊं मैं, ठीक है, अगर मैं पीछे से दिखाता हूं तो पीछे, अब बेटा पीछे जो स्ट्रक्चर होगी उसको मैं साइड में बना दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहां पर एक और पाइप होता है और इस पाइप को बोलते हैं हम लोग, ये जो तुम्हें पोर्शन दिखाई दे रहा है पोस्टीरियर है कि एंटीरियर है? पोस्टीरियर। इसको बोलते हैं हम एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या करता है? ये थोड़ी देर के लिए यहां पर स्पर्म को रोका भी रहता है। यहां पर स्पर्म आके थोड़ी देर के लिए क्या होते हैं बेटा? रुकते हैं। स्टोर भी करता है और इनको नरिश भी करता है। नरिश मतलब क्या होता है? पोषण देना। इधर देखना, एपिडिडाइमिस में स्टोर भी होगा और नरिश भी करेगा। तो बेटा अब बताओ सीक्वेंस, सेमिनिफेरस टिब्यूल, उसके बाद क्या आया तुम्हारा? रेटी टेस्टिस, फिर वासा इफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस। एकदम क्लियर है। और ये स्पर्म टहलता हुआ अब इस पाइप में आएगा। अब इसके आगे की कहानी अभी बता रहे हैं, पहले बताओ यहां तक बात एकदम क्लियर हो गई भैया? बोलो भैया, लड़की, एपिडिडाइमिस को मैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलूंगा। अरे यार, कोई भी ऐसी चीज गोनेट्स के अलावा वो सब किस में जाएगी? सेकेंडरी। यहां तक एकदम क्लियर है एक बच्चे को? अच्छा ये बताओ एपिडिडाइमिस एंटीरियर या पोस्टीरियर? हाँ, अच्छा अब आगे बेटा देखो क्या होने वाली कहानी आगे आगे। हाँ इधर देखो, इधर अब मैं जो डायग्राम बना रहा हूं उसको समझो मैंने कैसे बना रहा हूं। इधर, हाँ कोई डाउट है? क्या बात कर रही थी? क्या नहीं दिख रहा जवाब? जब आप इधर खड़े हो रहे हो तो उधर का नहीं दिख रहा है, और जब आप उधर खड़े हो जाएंगे तो ये कहेंगे जब आप इधर खड़े हो रहे हो उधर नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कहने, खड़े होना बंद कर जाएंगे? इधर सुनो, हाँ इधर आओ बेटा, सुनो हम तुमसे क्या कह रहे हैं। अब जो डायग्राम आने वाला है वो मैं ह्यूमन को इधर से दिखा रहा हूँ। इधर देख लो चचा, इधर, ये तुम लोग स्क्रीन में क्या देखते रहते हो यार? हम दिख रहे हैं क्या? अच्छा कल भी दिख रहे टेलीविजन में। इधर अब बेटा हम लोग, तुम मेरे को ऐसा देख रहा है, कैसे? इस डायरेक्शन से। इतनी बात एकदम क्लियर? अगर मैं ह्यूमन को इस डायरेक्शन से देखूं, इधर, जस्ट अ सेकेंड, अरे हो गया, अच्छा चलो हो गया। ह्यूमन के अगर मैं इस डायरेक्शन से पेल्विक रीजन बनाता हूं तो बेटा ये हो गया पेनिस, ठीक, इधर, और ये हो गया वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। और ये बैक साइड क्या हो गया? एनस। अरे इधर, और इसी के अंदर बच्चे रखा हुआ है क्या? टेस्टिस। और टेस्टिस के ऊपर जो टोपी लगी हुई है एपिडिडाइमिस, जो कि एंटीरियर है। कौन बोल रहा? पोस्टीरियर। अच्छा पहले हम बोले इसलिए बोल रहे हो ना। इधर आओ, यहां तक बातें क्लियर है? अब बेटा इधर देखना, और ये अब यहां से एक पाइप निकलेगा, मैं कलर चेंज करूंगा हर एक पाइप पे, तब और मजा आएगा। इधर, और ये जो पाइप है इसे बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास्ट डिफरेंस। वॉश नहीं बिटिया, वास्ट डिफरेंस। क्लियर? ये देखो इधर, और ये पाइप, सर ये पाइप तो ऊपर चढ़ रहा है। अरे यार, वास्ट डिफरेंस निकला, अब ये किधर जा रहा है? ऊपर। मेरा मानना है ये वास्ट डिफरेंस का पाइप एब्डोमेन में चला गया है। हाँ एब्डोमेन रीजन में क्या घूम के आया है ना। अब बेटा इधर देखो, यहीं पर होता है यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें क्या भरी होती है? पेशाब। गुरुजी बकलोलो क्या? यूरिनरी ब्लैडर, ऐसा ब्लैडर, ऐसा थैला जिसके अंदर क्या भरी हो? पेशाब। वही क्या कहलाएगा? यूरिनरी ब्लैडर। बात हो गई खत्म। अब बेटा यूरिनरी ब्लैडर से मैंने आपको बताया था एक पाइप निकला होता है जिसका नाम होता है यूरेथ्रा। याद आया? यूरिनरी ब्लैडर का जो पाइप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। इधर ये है यूरिनरी ब्लैडर का पाइप जिसको हम क्या हो रहा भैया, कलर में चेंज हो जा रहा बार बार। इधर ये पूरा पाइप क्या कहलाएगा आपका? इसको बैक कैसे करते हैं? ये दबा दें। हाँ इधर यूरिनरी ब्लैडर का पाइप क्या कहलाएगा?
यूरेथ्रा, यहां तक बातें एकदम क्लियर? ये पूरी क्या होती है? यूरेथ्रा। बेटा पेनिस मेल में होगा या फीमेल में होगा? फीमेल बेटा मेल में होगा, इस वजह से। अच्छा, फीमेल में पेनिस नहीं होने की वजह से यूरेथ्रा का जो पाइप होगा वो छोटा होगा। बोलो, ये पूरा ब्लू कलर का जितना पाइप दिखाई दे रहा है, एक तो मैं मजा नहीं आ रहा इसमें, रुको अभी। हाँ, अब इधर देखो, ये जो जितना बेटा आपको ब्लू कलर से पाइप दिख रहा है ये क्या कहला रहा है? यूरेथ्रा। और ये देखो, ये देखो, ये देखो, यूरेथ्रा यहां पर आके बच्चे फूल गया, और ये फूला हुआ पोर्शन कहलाता है यूरेथ्रल मिएटस। क्या कहलाता है? यूरेथ्रल मिएटस। बेटा अभी पूछेंगे और पटक के मारेंगे, ठीक है बेटा? यूरेथ्रल मिएटस। तो यहां पर यूरेथ्रा जो है आपका, भूलना मत, यूरेटर अलग चीज थी, पढ़ाया था किडनी से पेशाब, इसमें कौन लाता है? यूरेटर। और यूरिन को थ्रो किससे करते हैं? यूरेथ्रो। बोल दो, यूरेथ्रो। अच्छा, मेल में यूरेथ्रा लंबी या छोटी? लंबी। अब इधर देखना बेटा, अब इधर देखो, ये जो वास्ट डिफरेंस है, ए देख 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 देख, लाल लाल कहां है? हाँ, ये देखो बेटा, देखो वास्ट डिफरेंस, थोड़ा और ऊपर से लगे, मतलब ये बंदा बता ना ब्रेन ब्रेन से टहल के आ रहा है ना। इधर इधर जो वास्ट डिफरेंस है, इधर वास्ट डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर घेरा बना रहा है। अरे कैसे समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं? अरे ये इस पे चल रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से क्या बना रहा है? घेरा। घेरा को अंग्रेजी में शायद लूप बोलते हैं क्या यार? अब मैं क्या कहूंगा सुनना, अंग्रेजी। एपिडिडाइमिस व्हिच इज प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर साइड कैन स्टोर एंड नरिश सीमेन, हाँ या ना? अच्छा, एपिडिडाइमस लीड्स टू, लीड्स का मतलब होता है इसके बाद, एपिडिडाइमस के बाद आएगी वास डिफरेंस, वास डिफरेंस गोज टू एब्डोमिनल कैविटी, लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। अरे और इधर देखो, अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इस बोर्ड का लेकिन आज महत्व तो एक समझ में आ रहा है मुझको बहुत। पूछो क्या, हर पाइप क्लियर दिखा सकते हैं। यहां पर एक थैला होता है, ये कुछ पैदा करता है, मतलब पक्का ग्लैंड है। मैंने कहा था कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू, कोई भी अंग, कोई भी अंगों का सिस्टम जो कुछ पैदा कर सकता है वो कहलाएगा ग्लैंड। पसीना किसने निकाला? ग्लैंड। थूक किसने निकाला? ईयर, ईयर वैक्स किसने निकाला? ग्लैंड। म्यूकस किसने निकाला? ग्लैंड। ऑयल किसने निकाला? ग्लैंड। आंसू किसने निकाला? ग्लैंड। कुछ और निकाला? ग्लैंड निकाला। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। तो बेटा ये थैले को बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल। क्या बोलते हैं बेटा? सेमाइनल वेसाइकल। सी एमोर, कोई बात कर रहा है क्या? कोई बात हो रही थी ना कहीं, इधर बात हो रही है क्या? तुम बात कर रहे थे क्या? हाँ, अच्छा, ये क्या हो गया? सेमाइनल वेसाइकल। अब इधर देखना मेरे लाल, इधर ये आई सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट, देख रही व्हाइट कलर की? बहुत मन से समझना, कसम से बहुत भयंकर बच्चा गलती कर देता है। और ये जो सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट है, और ये कौन सी आई? वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस एंड द डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकल। मेरे शब्द को सुनिएगा दोबारा, वास्ट डिफरेंस एंड द डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकल, वास्ट डिफरेंस एंड डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकल। ये दोनों रोड आपस में मिल जाती हैं और एक और पाइप बन जाता है, और इसे बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं? इजैक। मेरी बात नहीं समझे आप? हमने क्या बोला? मैंने क्या बोला दोबारा बताओ? इजैकुलेटरी डक्ट क्या है बेटा? वास्ट डिफरेंस का पाइप आया, इधर से सेमाइनल का पाइप आया, दोनों मिल गया, क्या बन गया? इजैकुलेटरी। नहीं क्लियर हुआ? लड़की क्लियर है ना? पक्का बिटिया? इधर बेटा, अब इधर देखो, इधर एक ग्लैंड और होती है, उसका नाम होता है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। क्या नाम होता है? बल्बोरेथ्रल। क्या? बल्बोरेथ्रल। यहां पर बेटा मौजूद होती है तुम्हारी बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। एक एक बच्चा गौर से देखे जल्दी से, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। इधर 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 सर, ग्लैंड बोल लो, पक्का कुछ पैदा करती होगी। क्या करती है बेटा? उसे बात की बात है। इधर और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का भी ये पाइप आ गया, ये भी किसमें खुल रहा है? इजैकुलेटरी डक्ट। बोलते ही नहीं है भाई। अब इधर देखो, मैंने सारी डक्ट अलग अलग रंगों से बनाई है। एपिडिडाइमिस अलग रंग से, ललकाई वास्ट डिफरेंस, ललकाई मतलब रेड कलर वाली वास्ट डिफरेंस, वाइट कलर वाली सेमाइनल डक्ट, और ये हो गई इजैकुलेटरी। ये कौन सा कलर? क्रीम, क्रीम वनीला क्रीम है, चलो हो गया, ठीक है। इधर हल्का वाला पिंक, ठीक है। अब इधर देखो, अब बेटा इधर ये यूरेथ्रा दिखाई दे रहा है, यूरेथ्रा, इससे क्या जाता होगा? पेशाब जाती होगी, ठीक है। रुको एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड ले। यहां क्या भरा हुआ है? यूरिन भरी हुई है। अच्छा, यूरिन का पीएच छिट्टा से छे, बताया था ना, यूरिन का पीएच छिट्टा से छे।
बेटा जब यहां से पेशाब गुजरती होगी इस रास्ते से तो मेरा मान वास्ट डिफरेंस में नहीं गई है, हाँ, जब निकलती होगी तो मेरा मानना है पूरे का पूरा रास्ता एसिडिक हो जाता होगा, क्योंकि यूरिन का पीएच होता है 6.6, मतलब थोड़ा एसिडिक। पक्का स्पर्म को एसिडिटी से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? हाँ, बचाओगे या नहीं बचाओगे? बचाओगे ना। तो बेटा ये ग्लैंड मिलकर क्या करती हैं, ये ग्लैंड हो गई, ये ग्लैंड हो गई, इनको कलर चेंज कर दें, इधर ये ग्लैंड हो गई, सेमाइनल वेसाइकल हो गई, और ये देखिए क्या है, बल्बोरेथरल है, ये सब मिलकर जो सिक्रीशन बनाती हैं, ठीक है, अर्थात जो चीज सिक्रीट करती हैं वो एल्कलाइन होता है, मतलब बेसिक। तो जब स्पर्म निकलने वाला रहता है, महाराज आ रहे हैं अभी तो सेमिनिफेरस वेस्टिब्यूल में बैठे हुए, ठीक है, तो पहला काम क्या होता है मालूम है, ये सारी ग्लैंड पूरे रास्ते को, सारी ग्लैंड पूरे रास्ते को क्या कर देती हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशन से नहला देती हैं, ताकि स्पर्म को एसिडिटी फेस ना करनी हो। अरे अरे साहेब आ रहे हैं भैया, हल्के में लिए हो क्या? इधर देखो, इधर इधर इधर, अब इधर इधर, कोई कहाँ गए बोल्ड वाले, कहाँ साहब कहाँ हैं? अरे बोल्ड वाले साहब कहाँ हैं? ये बताओ बेटा, इसमें अगर सिर्फ इतना मुझको मिटाना हो तो कैसे मिटेगा ये एरो? अगर कुछ मिटाना है कसम से बिटिया फिर बता दे रहा, ये छुए और आगे बताओ, आप गोला मार दें, बाप पता है हमको, चलो ज्यादा नेता ना बनो, इधर थोड़ा सा एरो एरो जान गई, नेता बन रही है, इधर कटना भाई, हाँ इधर, हाँ ये बात, आओ इधर देखो बेटा, इधर इधर इधर, हाँ इधर देखो, इधर ये आई आपकी क्या, यूरेथ्रा, लेकिन आप इधर देखना, हेलो हेलो, हाँ इजेकुलेटरी डक्ट जाकर खुलती है यूरेथ्रा में, देखिए कैसे, सी हाउ, ऐसे इजेकुलेटरी डक्ट जाकर अल्टीमेटली किसमें खुल रही है, यूरेथ्रा में, क्या इतनी बातें एकदम क्लियर? और अब आगे से पाइप का नाम, अब आप यूरेथ्रा बोलोगे कि इजेकुलेटरी डक्ट बोलोगे, यूरेथ्रा, क्या इतनी बात एकदम क्लियर? मतलब हम लोगों के केस में यूरेथ्रा से पेशाब भी जाएगा और स्पर्म भी जाएगा, बोलो, दैट्स वाई हम लोगों की यूरेथ्रा, मतलब मेल की यूरेथ्रा कहलाती है यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरो मतलब यूरिन, जेनाइटल मतलब रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, तो ये रास्ता यूरिन जाने का भी है और यही रास्ता स्पर्म जाने का भी है, दैट्स वाई हमारी यूरेथ्रा क्या कहलाएगी, यूरोजेनाइटल, अरे यूरो मतलब यूरिन, जेनाइटल मतलब रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, पक्का। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है, फीमेल में गैमीट का रास्ता अलग है और यूरिन का रास्ता अलग है, तो क्या फीमेल में यूरोजेनाइटल यूरेथ्रा होगी क्या? नहीं। क्या इतनी बातें एक एक बच्चे को क्लियर हो गई है? चलो बेटा अब जल्दी से हमको ये बताओ, इधर हेलो, इधर अब पूरा हमें पाथ बताओ, हाँ स्पर्म बनाया स्पर्मेटोगोनिया ने, जो कि मौजूद है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जब स्पर्म बना उसके बाद स्पर्म पहुंचेगा रेटी टेस्टिस, स्पर्म कहां पहुंचेगा? रेटी टेस्टिस, बुलंद बोलो नहीं बेटा मूड खराब हो जाएगा, फिर वासा इफरेंशिया, इफरेंशिया इफरेंशिया, उसके बाद बेटा एपिडिडाइम, एंटीरियर एंटीरियर, अच्छा देन वास डिफरेंस, अब आगे चुप 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 चुप, बोलो नहीं बोलो नहीं बोलो नहीं, वास डिफरेंस गोस अपवर्ड, ठीक है, टुवर्ड एब्डोमिनल कैविटी, लूप्स ओवर द यूरिन का ब्लैडर, गेट डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकल, एंड 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 ओपन, अरे बोलने दो बिटिया, हम एनसीईआरटी की लाइनें बोल रहे हैं भाई, एंड वास डिफरेंस गो अपवर्ड, ठीक है, लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, गेट डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकल एंड ओपन एज इजैकुलेटरी डक्ट, एंड इजैकुलेटरी डक्ट फाइनली ओपन इनटू यूरेथ्रा, इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? अच्छा चलो बेटा फिर हमको सीक्वेंस लिखवाओ पूरा, हेलो आओ बेटा, सबसे पहले सेमिनिफेरस टेस्टिस का पार्ट है ये, तो उसके बाद बेटा बोला करो रेटी टेस्टिस क्या जाल है क्या? पाइपों का जाल, रेटी टेस्टिस के बाद आपकी वासा इफरेंशिया, अच्छा सर ए हमारे सर सुन लीजिए सर, ए सर सुनिए सर, ये क्या कर रहा है भाई, इधर वासा इफरेंशिया वो पाइप है जिसके बाद टेस्टिस स्पर्म छोड़ देगा, बोलो टेस्टिस स्पर्म नहीं छोड़ देगा, स्पर्म टेस्टिस छोड़ देगा, इधर आओ बेटा, इधर
हो गई भैया विदाई, हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह पहली गाड़ी से निकल जाओगे, वासा इफरेंशिया, वासा इफरेंशिया के बाद एपिडिडाइमस। बेटा एपिडिडाइमस के लिए बच्चे मैं क्या बोल सकता हूँ? पोस्टीरियर। कहीं तुम्हें मिले कि एपिडिडाइमस हैव थ्री पोर्शन कैपुट कॉडा, फाड़ देना उस क्वेश्चन को, समझ में? हम इसलिए तुम्हें सतर्क कर दे रहे हैं, जितना बता रहे बस उतना ही पढ़ना। हाँ भाई क्या हो गया, कहाँ खड़े हो? क्वेश्चन है क्या हुआ मेरे भाई की आंखों को? इधर आओ, इधर आओ बेटा। एपिडिडाइमस के बाद अगला क्या आएगा ये बताओ? हाँ बोलते ही नहीं हो। वास डिफरेंस, चाहो तो वास डिफरेंस बोल दो, चाहे वासा डिफरेंशिया भी बोलते हैं ना, हम लोग प्यार से बोल रहे हैं वास डिफरेंस। लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। देखो देखो मेरी एक आदत है बेटा, आदत है, हम एनसीईआरटी की कुछ कुछ वर्ड चोरी कर लेते हैं। एपिडिडाइमिस के लिए हमने क्या लिख दिया? पोस्टीरिया, जो डायरेक्ट पूछ लेगा। वास डिफरेंस के लिए मैं लिखूंगा लूप ओवर यूरिनरी, नहीं भैया यूरिनरी, यूरिनरी ब्लैडर, पक्का? अच्छा वास डिफरेंस, अब इधर देखना बेटा, मामला गंभीर, मामला गंभीर, इधर इधर। वास डिफरेंट, वास डिफरेंस जो है ये डक्ट पाएगा सेमाइनल वेसाइकल से, बोलो। वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल दोनों की डक्ट मिलकर खुलेगी किसमें? आपकी हाँ इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेट बेटा, बेटा ये ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है, इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट विल ओपन इनटू यूरेथ्रा, बोलो समझ में आ गया? और यूरेथ्रा आखिरी पोर्शन, यूरेथ्रल मिएटस, समझना ही नहीं चाहते हो, एंड स्पर्म इज रिलीज आउट। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई है? पक्का? छापो। बल्बो बल्बो रेथ्रल की डक्ट बहुत बड़ी नहीं होती, इसलिए उसको मेंशन नहीं किया जाता है। चाहो तो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, इच्छाएं हैं पूरी कर लो। टेस्टिस इज प्रेजेंट आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी या इनसाइड? लड़कियों सर इंट्रा यूट्राइन बोलोगे 7 महीने से पहले क्या होगा? इनसाइड। अरे बोलो, कभी सही आंसर दिया करो, परेशान कर दिया एकदम। ये बताओ, चलो ठीक है अभी, शेप कैसा होगा? ओवल। अरे दो से तीन, चार से पांच, बोलो। स्क्रोटम का काम है टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री मेंटेन रखना, बॉडी टेम्परेचर से कम। मेरा मानना है डक्ट जो होती है जैसे एपिडिडाइमिस, ये स्पर्म को स्टोर कर सकती है। अरे और ट्रांसपोर्ट तो कर ही रही है। टेस्टिस इज पेयर्ड या अनपेयर्ड? अब अगर दो टेस्टिस ऊपर, दो टेस्टिस तो एपिडिडाइमिस भी दो। अरे यार दो टेस्टिस तो एपिडिडाइमिस भी दो, दो टेस्टिस तो वास डिफरेंस भी दो। बोलना ही नहीं चाहते हो तुम लोग कुछ। इसका मतलब सर सेमाइनल वेसाइकल भी दो, इसका मतलब बल्बो रेथ्रल भी दो। रट्टा ही नहीं मानना, लेकिन यूरेथ्रा एक। अरे भैया पेशाब नली एक ही है, नहीं कहते वो भी दो। भैया हो जाए तो इत्तला कर रहा हूं। हाँ भाई क्या हो गया? हो गया बोलो, चले बेटा शुरू करें। चलो इधर देखो बेटा, आओ अब वापस चलते हैं, वापस और वापस और वापस और वापस, नहीं नहीं और वापस नहीं, ज्यादा वापस चले आए। एक मिनट बेटा, वो जहां पर वो वाला आता है लेडिंग सेल हमने बनाई है, ये यहां आ गया। सुनो, जो लेडिंग सेल होती है ये आपकी, सुनो तो, ये आपकी हार्मोन बनाती है,
एकाद हार्मोन नहीं बनाती, बहुत सारे हार्मोन बनाती है। लीडिंग सेल बहुत सारे क्या बनाती है? हार्मोन। अब कॉमन सेंस लगा लेना मेरे भाई, कॉमन सेंस लगाना इसमें, ठीक है। जेन का मतलब होता है पैदा करना, एंड्रो का मतलब होता है मेल, कहीं एंड्रो शब्द आ जाए। एंड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेल, गायनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फीमेल। तो बेटा गायनी वर्ल्ड फीमेल के लिए होता है और एंड्रो वर्ल्ड किसके लिए होता है? मेल। और डबल ओ की स्पेलिंग का भी फीमेल से रिलेशन है ना। तो बताओ एंड्रोजन, ये जो है एंड्रोजेंस जो है, ये मर्दानगी पैदा करते होंगे या मर्दानगी? आज अरे सही हो इधर। तो बेटा सुनो, ये जितने भी हार्मोन निकालता है, ठीक है, आपकी लीडिंग सेल ये आपके अंदर मर्दानगी पैदा करती है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब जैसे फेशियल हेयर्स, अरे मतलब गाल पे बाल, एक्सियल हेयर या बोल दो प्यूबिक हेयर, तो ये सारे हेयर और आपके जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर हैं, ये इन्हीं हार्मोन्स की वजह से आते हैं। व्हाट आर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर? देखो कोई भी, सुनो मेरी बात, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी के वो करेक्टर, वो गुण जिनसे आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि फलाने मेल हैं, फलाने फीमेल हैं। अच्छा बेटा, ये आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि कैरेक्टर क्या क्या है, ये नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस लगा लेंगे तो भी आप पकड़ लेंगे। ये बताओ, ये बताओ बेटा, मेल की, मेल का जो चेस्ट रीजन होता है ये चौड़ा होता है, बोलो। लेकिन कमर क्या होती है? नैरो होती है। फीमेल में अपोजिट होता है, बोलो। अच्छा, मेल की जो वॉइस होती है वो लो पिच की होती है, फीमेल की बहुत हाई पिच की होती है। पिच समझते हो? पिच का मतलब होता है कहकहाहट, कहकहाहट समझते हो बेटा? अगर कभी तुम नोटिस कर लो, अगर मेल, अगर चलो मैं मेल हूं ना, मैं मेल हूं ना, इधर अगर मैंने बोला ए लड़के, अगर अगर फीमेल टीचर होती ए लड़के, है ना, तो मतलब फीमेल की कैसी होती? पिच बहुत हाई होती है। मेल क्या करता है? उसकी पिच क्या होती है? लो। मेल जो होते हैं इनकी बॉडी मस्कुलर होती है, फीमेल की बॉडी बिल्कुल नॉन मस्कुलर होती है। इधर सुनो, तो अब तुमसे हम क्या कह रहे हैं इधर, तो ये सारे करेक्टर जो है मेल और फीमेल में जो डिफरेंस है, ये क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। ये सारे करेक्टर आते हैं जितने भी हार्मोन से, वो सबके सब कौन पैदा कर रही है? लीडिंग सेल या इंटरस्टीशियल सेल। और उन सारे हार्मोन को मिलाकर बोलते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन कोई सिंगल हार्मोन है कि ग्रुप है? ग्रुप है। और मेन एंड्रोजन है टेस्टोस्टेरॉन, दैट इज मर्दानगी का हार्मोन, ठीक है, मेलनेस हार्मोन इसी को बोलते हैं, हार्मोन ऑफ मेलनेस। तो बेटा एंड्रोजन में आपका मेन क्या आ गया? टेस्टोस्टेरॉन। तो अब बेटा ये बताओ जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से ये बताओ, एंड्रोजन इज अ सिंगल हार्मोन, एक ग्रुप है जिसका मेन हार्मोन क्या है? एंड्रोजन। यहां तक बातें क्लियर? क्लियर, खत्म। पन्ना पलटी एनसीईआरटी का, पन्ना पलट दीजिए, अब पन्ना पलट ले बेटा, पलटे पुलटे या नहीं? अब पहले सुनो, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का मतलब क्या होता है? ये शब्द क्या है? व्हाट इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया? बेटा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड उतना पार्ट जो आपको बाहर से दिख जाए, वो आपको क्या, वो कहलाता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। यूजुअली एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हमारा कॉपुलेशन करने में मदद करते हैं। सुनते जाओ बेटा ऊपर, बेटा मेल में अगर मैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोलूंगा तो बेटा मेल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आपका क्या होगा? पेनिस। बोलो बेटा, असल में पेनिस जो होता है वो मस्कुलर होता है, उसमें मसल्स पाई जाती है। पहले पढ़ाया जाता था डोर्सल कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ये नाम इसलिए मेरा लेना, इस चैप्टर में नाम लेना बहुत जरूरी है, इस चैप्टर में नाम लेना बहुत जरूरी है। देखो ये पहला चैप्टर, इसमें मैं इतने नाम बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आए तो हटा देना, क्योंकि ये चैप्टर जो है इसमें बहुत फालतू सवाल पूछे जाते हैं, किताबों ने बहुत उल्टे सीधे सवाल पूछे जो कभी आने ही नहीं वाले हैं, ठीक है। बस इतना जानो कि पेनिस में क्या होता है बेटा, कि पेनिस, पेनिस कैसा होता है बेटा? मस्कुलर। तो यहाँ पर जो मसल्स मौजूद होती हैं, समझना, यहाँ पर जो मसल है, मसल क्या है बेटा? एक तरीके की टिश्यू है। इधर देखो, यहाँ पर आपकी क्या मौजूद है? क्या मौजूद है? मसल। इधर देखो, रेड कलर से बना दे रहे। अब इधर देखना बेटा, यहां पर मतलब ये जो टिश्यू है ये इरेक्टाइल होता है। इरेक्टाइल मतलब ऐसा टिश्यू जिसमें स्टैंड करने की क्या हो? ताकत हो। अब होता क्या है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, होता क्या है कि बहुत तेजी से ब्लड आकर रश करता है पेनिस में। जब ब्लड बहुत तेजी से रश करेगा तो होता क्या है, जब ब्लड तेजी से रश करेगा तो यहीं पर क्या करेगा, ये आपका जो टिश्यू है ये इरेक्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली आपका ओवरऑल पेनिस इरेक्ट होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं पेनिस हैव इरेक्टाइल टिश्यू? अगर ये इरेक्टाइल टिश्यू ना होता तो कॉपुलेशन नहीं होगा, बोलो हाँ या ना? अबे एनसीईआरटी की लाइन है, सुनते जाओ। पेनिस हैव इरेक्टाइल टिश्यू, जिसमें बहुत तेजी से जब ब्लड रश करेगा तो क्या होगा बेटा, ये टिश्यू में जब ब्लड भरा भड़ाक से भरेगा तो क्या होगा, ये टिश्यू इरेक्ट होगा। जब टिश्यू इरेक्ट होगा तो पेनिस इरेक्ट हो जाएगा। तो पेनिस के इरेक्टाइल टिश्यू की वजह से कॉपुलेशन संभव है।
क्या इतनी बातें एकदम क्लियर है आपको? आइए अब बेटा लास्ट बात, हम अपने पेनिस को एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्यों कह सकते हैं बेटा? इसलिए रीजन क्लियर है भैया, क्योंकि कॉपुलेशन में मदद करता है। लेकिन आपने तो भी बताया एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब कि रिप्रोडक्शन रिलेटेड वो अंग जिन्हें हम बाहर से देख सकें। तो बेटा बाहर तो स्क्रोटम भी है, हमने इसको क्यों नहीं बोला? हमने इसको इसलिए नहीं बोला क्योंकि कॉपुलेशन में मदद नहीं करता। उसमें एक पॉइंट मैंने ये बोला था कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो बाहर से तो दिखे लेकिन उसका कॉपुलेशन में क्या होना चाहिए? रोल। कॉपुलेशन समझ रहे हो ना? बोलो भैया, एकदम क्लियर है। अच्छा अब बेटा मेरी लास्ट बात सुनना, ये जो तुम आगे का पोर्शन देख रहे हो, आगे का बेटा, ये आगे का फूला हुआ पोर्शन कहलाता ग्लैंड्स पेनिस। क्या कहलाता है? ग्लैंड्स पेनिस। अच्छा ये बताओ, यूरेथ्रा जो फूल गई इसे बोलेंगे यूरेथ्रल मिएटस? सुनना ही नहीं चाहते हो। और ये पेनिस का ये जो आगे वाला एंड है, ये इनलार्ज एंड है, ये क्या कहलाएगा? ग्लैंड। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस से बातें करने से पहले हम सीखेंगे ये गैमेटोजेनेसिस क्या होती है। देखो जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण करना, प्रोडक्शन करना किसी चीज का, तो गैमीट का निर्माण करना गैमेटोजेनेसिस। अब अगर मेल गैमीट बन रहा है मतलब स्पर्म बन रहा है तो हम बोलेंगे हो रही है स्पर्मेटोजेनेसिस, अर्थात स्पर्म का प्रोडक्शन करना, स्पर्म की जेनेसिस करना। और वहीं पर अगर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं ओजेनेसिस। ओ इज रिलेटेड टू ओवम एंड जेनेसिस का मतलब हो गया प्रोडक्शन, मतलब ओवम का प्रोडक्शन करना। तो गैमेटोजेनेसिस आपकी दो प्रकार की हुई, अगर मेल गैमेट पैदा कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेट बना रहे हैं तो ओजेनेसिस कर रहे हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। सेक्स ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपकी बॉडी का कोई भी ऐसा अंग जो गैमीट का प्रोडक्शन करे, चाहे वो स्पर्म का प्रोडक्शन करे चाहे वो ओवम का प्रोडक्शन करे, ऐसा अंग ऐसा ऑर्गन जो गैमीट बनाए हम उसको बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो मेल में हमें पता है स्पर्म का निर्माण करता है टेस्टिस, तो टेस्टिस हुआ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में। वहीं पर फीमेल में ओवरी बनाती है ओवम अर्थात फीमेल गैमेट, तो ओवरी क्या हुई आपकी? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। अब व्हाट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन? ओवरी और टेस्टिस के अलावा जितनी चीजें आपकी रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं वो सब की सब आती हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। एग्जांपल के तौर पर अगर हम मेल की बात करें तो मेल में जब टेस्टिस स्पर्म बनाता है तो स्पर्म बनाने के बाद वो रेटी टेस्टिस से होता हुआ वासा इफरेंशिया, फिर आपका आता है एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस जो एब्डोमिनल एब्डोमिनल कैविटी में चढ़ती है अर्थात ऊपर की तरफ एसेंड करती है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप बनाती है, सेमाइनल वेसिकल से डक्ट लेकर वो आपकी इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर करती है गैमेट को। तो ये सारी डक्ट आपकी किसमें आएंगी? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अगर वहीं पर फीमेल की बात करें तो फीमेल में फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। तो हमारे सेक्स ऑर्गन कितने प्रकार के हुए बेटा? दो प्रकार के हुए। सेक्स ऑर्गन आपके दो प्रकार के, प्राइमरी कौन से? प्राइमरी वो जो आपके गैमीट का प्रोडक्शन करें, मेल में हो गया आपका टेस्टिस और फीमेल में हो गई आपकी ओवरी। और वहीं पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या हुए? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन हुए जो आपके क्या करें बेटा? रिप्रोडक्शन में असिस्ट करें, मदद करें। और इसमें इन दोनों के अलावा सब कुछ आ गया, क्लियर है? अब आइए अब हम बातें करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एक्चुअली में है क्या और चलती कैसे है। चलो इधर देखना बेटा, अब अगर मैं मेल में टेस्टिस बनाऊं तो हमें पता है कि टेस्टिस के अंदर 250 लोब पाए जाते हैं, 250 लोब एक टेस्टिस में। और यहां पर मैंने लोब बनाए 1, 2, 249 और 250, मैं ऐसे ही कैलकुलेट करूंगा, ठीक है? अब भाई 250 थोड़ी बना लोगे, और वैसे भी 4 से 5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है टेस्टिस की। तो अब बेटा इसमें हमने क्या किया, 250 कमरे बना दिए और इन कमरों को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिस में पाए जाने वाले छोटे छोटे लोब्स। इनके अंदर पाई जाती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल जैसे साइकिल की ट्यूब होती है बिल्कुल वैसे ही ये ट्यूब होती है। और इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो आपके एक लोब्यूल में एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, और एक टेस्टिस में ये तीन भी हो सकती है। अब कॉमन सेंस लगाइएगा, अगर हम बात करें टेस्टिस की, टेस्टिस
आपका स्पर्म बनाता है, ये बात सही है, लेकिन टेस्टिस में भी कौन बनाएगा? तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब अगर हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को काट के जूम करके देखें, अगर हम एक ट्यूब को काट के जूम करके देखें, तो ये हो गई ट्यूब आपकी, और ट्यूब की इनर वॉल में, मतलब अंदर की तरफ, ट्यूब की बेटा इधर हो गई आउटर वॉल, अंदर वाली क्या हो गई? इनर वॉल। तो ट्यूब की इनर वॉल में यहां पर क्यूब लाइक सेल पाई जाती हैं, अर्थात क्या मैं इसे क्यूबाइडल सेल कह सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि इनका शेप कैसा होता है? क्यूब लाइक। और ये जो आपकी क्यूब लाइक सेल है, ये आपकी भविष्य में मेल गैमीट बनाएंगी, अर्थात स्पर्म बनाएंगी। तो मैं इन्हीं को कह सकता हूं मेल जर्म सेल, अर्थात मेल गैमीट को जर्मिनेट कराने वाली सेल, या हम इन्हीं का दूसरा नाम रखते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये हो गई आपकी स्पर्मेटोगोनिया, या इन्हीं को हम लोग बोल सकते हैं मेल जर्म सेल, जो भविष्य में जर्मिनेट करके क्या बनाएंगी? मेल गैमेट। चूंकि ह्यूमन एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो हम लोगों में गैमेट के अलावा जितनी भी आपकी बॉडी की सेल्स हो, चाहे हाथ की हो, चाहे लिवर की हो, चाहे किडनी की हो, चाहे इंटेस्टाइन की हो, चाहे टेस्टिस की हो, सबकी सब डिप्लॉयड होंगी। बस गैमेट आपके हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉयड। गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉयड। एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 बहुत प्यारी लाइन है कि गैमेट बिना किसी शक के, बिना किसी अपवाद के हमेशा क्या बनेंगे? हैप्लॉयड। अब हम सीखने जा रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, अर्थात स्पर्म का निर्माण कैसे होता है। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया कि एक टेस्टिस के अंदर 250 लोब पाए जाते हैं, और उनके अंदर पाई जाती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही आपका स्पर्म का निर्माण करेगा। अब हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक सेक्शन काटा, और इतना सेक्शन काट के जूम करके देखा, तो यहां पर हमें क्यूबाइडल सेल मिली, जिनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। भविष्य में ये मेल गैमेट बनाएंगी, इस वजह से मेल जर्म सेल इन्हीं को हमने कह दिया। अब ये जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया खा पी के हो जाती है मोटी, मियोसिस वगैरह भी कुछ नहीं हुई है, खा पी कर क्या हो गई? सिर्फ मोटी। अब अगर ये खा पी कर मोटी हो गई, तो मैं इनका साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया, और अब इन्हीं का नाम हो गया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या अभी कोई मियोसिस हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है। तो अब हम कह सकते हैं कि जब मियोसिस कुछ नहीं हुई है, बस सेल खा पी के मोटी हुई है, तो आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या होगी? इसकी प्लॉयडी क्या होगी बेटा? डिप्लॉयड। इतनी बात एकदम क्लियर। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये क्या करती है? ये मियोसिस फर्स्ट करेगी। भाई मियोसिस दो पार्ट में डिवाइड की गई है, फर्स्ट और सेकंड। तो जब ये मियोसिस फर्स्ट करेगी, तो दो बिल्कुल इक्वल साइज की हमें सेल मिलती है, और ये दो बराबर साइज की जो सेल हैं, बिल्कुल इक्वल, मियोसिस फर्स्ट के बाद मिल रही है। और बेटा मियोसिस फर्स्ट जैसे ही होती है, हमें पता है कि जो डिप्लॉयड सेल है वो आपकी क्या हो जाएगी? हैप्लॉयड। और अब हम इसी को बोलते हैं आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्योंकि मियोसिस फर्स्ट होने के बाद बनी है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपकी क्या हो जाएगी? हैप्लॉयड। क्लियर। तो स्पर्मेटोगोनिया खा पी के मोटी हो गई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस फर्स्ट हुई, आपका क्या बन गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट कर ली है, दैट्स व्हाई यहां पर मैंने क्या किया बेटा? हैप्लॉयड लिखा। अब ये जो दो बराबर सेल्स हैं, साइज में बिल्कुल इक्वल, इक्वल हैप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये आपकी करेंगी मियोसिस सेकेंड। अब दोनों मियोसिस सेकेंड करेंगी, तो बेटा अगर दो सेल मियोसिस सेकंड में जा रही है, तो दो से कितनी सेल बन जाएंगी? चार। अच्छा, कई बार आप ये गलती कर देते हो, बिल्कुल अगर पहली पहली बार पढ़ रहे होते हो, क्योंकि मियोसिस दो बार हो रही है, नहीं, मियोसिस एक ही बार हो रही है, दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। उसके लिए आप मियोसिस वाला लेक्चर देख लीजिएगा। अब यहां पर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, जब ये मियोसिस सेकंड करती है, तो मियोसिस सेकंड करने के बाद फिर आपकी चार सेल बनती है, और चार की चारों सेल जो है आपकी ये हैप्लॉयड होती है, क्योंकि कभी भी हैप्लॉयड में मियोसिस नहीं होती, कभी भी हैप्लॉयड में मियोसिस नहीं होती है, ठीक है। एन में आप मियोसिस करके एन बाई टू थोड़ी बना लोगे, मैंने लॉजिक क्लियर किया था आपको एक लेक्चर में, क्यों नहीं होता ऐसा। तो अब बेटा एक्चुअली में मियोसिस सेकंड बिल्कुल माइटोसिस जैसी होती है, मतलब इक्वेशनल डिवीजन। अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अगर 23 क्रोमोजोम है, तो इनमें भी क्रोमोजोम कितने होंगे? 23। तो यहां पर मैं लिखूंगा इन सेल को हम लोग बोलते हैं बेटा स्पर्मेटिड, और ये भी आपकी क्या होंगी? हैप्लॉयड। याद रखना बेटा एन में कभी मियोसिस नहीं होती है, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको रिप्रोडक्शन वाले लेक्चर में। तो अब यहां पर आपकी क्या बन गई है? स्पर्मेटिड, ये भी इक्वल साइज की है। अब क्या होता है कि यहीं पर पाई जाती है इन ट्यूब को, अगर आपने जैसे काट के देखा है बेटा, तो यहीं पर बीच में लंबी लंबी सेल्स पाई जाती हैं, और ये लंबी लंबी सेल, ये लॉन्ग इलोंगेटेड सेल,
ये आपकी कहलाती है सर्टोरी सेल, बीच बीच में पाई जाती है बेटा, तो ये लंबी लंबी सेल, यहां मैंने सर्टोरी सेल इसको बना दिया, ये आपकी कहलाती है सर्टोरी सेल। अब क्या करती है ये जो सर्टोरी सेल होती है, ये कुछ फैक्टर्स निकालती है, कुछ ऐसे केमिकल निकालती है जो स्पर्मेटिड में कुछ मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल चेंज कराता है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब इसके शेप साइज में चेंज करेगा और इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन को चेंज करता है, जिसे हमें डिटेल में नहीं जानना। तो ये जो आपकी सर्टोरी सेल है, सर्टोरी सेल ने क्या किया, केमिकल निकाला, और ये केमिकल क्या करेंगे, स्पर्मेटिड को में केमिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंज करेंगे और अल्टीमेटली यहां पर आपका बन गया स्पर्म। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि स्पर्म को बनाने में, क्या बोला, स्पर्म को बनाने में, स्पर्मेटिड से स्पर्म को बनाने में किसी प्रकार का ना मियोसिस हुआ ना माइटोसिस हुआ, यहां पर कुछ नहीं हुआ, बस स्पर्मेटिड ने क्या किया, अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज किया और कुछ केमिकल चेंज किया और अल्टीमेटली यहां पर क्या बन गया, स्पर्म। तो अब सुनते जाना बेटा, स्पर्म बन गया मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई है। स्पर्म हैप्लॉइड होंगे कि डिप्लॉइड, कॉमन सेंस लगाइए, गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। और या ये भी सोच लीजिए, यहां ना मियोसिस हुई ना माइटोसिस हुई है, बस कुछ केमिकल और कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंज हुए हैं। तो स्पर्म आपके अल्टीमेटली क्या हो गए, हैप्लॉइड। तो अब पूरे का पूरा ये जो हमने प्रोसेस देखा है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन जो इसकी लास्ट स्टेप है, जहां पर स्पर्मेटिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, स्पर्म में, इसकी लास्ट स्टेप को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्म मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस टोटल प्रोसीजर है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना, ये पूरे का पूरा कंप्लीट प्रोसीजर कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस की जो लास्ट स्टेप है, जिसमें स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, स्पर्म में, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो मैं कह सकता हूं कि स्पर्मियोजेनेसिस कम्स अंडर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आता है स्पर्मियोजेनेसिस, या हम बोल सकते हैं फाइनल स्टेप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, लास्ट स्टेप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज स्पर्मियोजेनेसिस। इतनी बातें एकदम क्लियर। अब यहां पर हमारे स्पर्म का निर्माण हो गया है। अब जरा क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं कि ये लास्ट स्टेप किस वजह से पूरी हुई, क्योंकि सर्टोरी सेल ने कुछ फैक्टर्स निकाले, कुछ केमिकल निकाले, जिसने स्टिमुलेट किया किसको, स्पर्मेटिड को अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल चेंज कराकर स्पर्म में तब्दील होने में या बदलने में। तो सर्टोरी सेल इसका मतलब मदद करती है स्पर्मियोजेनेसिस में। अब स्पर्म का निर्माण हो गया बेटा, अब इस ट्यूब में जगह की कमी है, ठीक है। तो इस ट्यूब में बेटा जगह कम है, इसलिए मैंने सारे प्रोसीजर बाहर दिखा है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो सब कुछ चल तो यही रहा है, अर्थात स्पर्मेटोगोनिया खापी के मोटी हो जाएगी, क्या बन जाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट, तो क्या बनेगी, दो आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड, तो क्या बन जाएंगी आपकी, चार यहां पर बन जाएंगी स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड में ही मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल चेंज होगा, जब यहां पर सर्टोरी सेल क्या निकालेगी, कुछ फैक्टर, और अल्टीमेटली बन जाएगा स्पर्म। अब स्पर्म बन तो गया है, लेकिन बनते ही निकल जाए ये जरूरी थोड़ी है। तो यहां पर अब स्पर्म क्या करते हैं, स्पर्म यहां पर कई दिनों तक रुक सकते हैं, यहां तक कि दो दो महीना रुक सकते हैं। अब यहां पर अगर दो दो महीने तक स्पर्म रुक रहा है, तो इसको क्या बेटा, सेल है, सेल के अंदर चल रही होगी रिएक्शन, रिएक्शन चल रही मतलब सेल वर्क कर रही है, और अगर कोई चीज वर्क करेगी तो वर्क करने के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए, एनर्जी पैदा करने का इकलौता तरीका क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के लिए सेल को क्या चाहिए होगा बेटा, फूड। तो नरिशमेंट के लिए आपकी ये जो स्पर्म होती है, ये जाकर धंस जाती हैं आपकी सर्टोरी सेल में। तो सर्टोरी सेल का यहां में दो काम समझ में आया, पहला कि स्पर्मियोजेनेसिस करा रही है, अर्थात कुछ केमिकल निकाल रही है जिससे स्पर्मियोजेनेसिस हो रही है, और उसके साथ साथ स्पर्म को नरिशमेंट दे रही है। दैट्स व्हाई सर्टोरी सेल को नर्सिंग सेल भी बोलते हैं, अर्थात नरिशमेंट दे रही है स्पर्म को, क्लियर। अब ये इसमें धंसे हुए हैं, अब सेमनी पेरिस्टिब्यूल में स्पर्म बन चुका है, और सेमनी पेरिस्टिब्यूल से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये स्पर्म आएंगे बाहर। जब ये स्पर्म सेमनी पेरिस्टिब्यूल को जैसे ही छोड़ेंगे, टेस्टिस नहीं बोला है मैंने, टेस्टिस नहीं बोला बेटा, क्योंकि यहां तो बेटा जाल होता है, पहले पढ़ाया था मैंने रेटी टेस्टिस, ठीक है, उसके बाद वासा इफरेंशिया, उसके बाद आपका एपिडिडाइमिस। तो जैसे ही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को स्पर्म छोड़ता है, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, S-P-E-R-M-I-A-T-I-O-N, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब टेस्टिस से स्पर्म का छोड़ना नहीं है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का छोड़ना, मतलब रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज स्पर्मिएशन। तो इतनी बातें एकदम क्लियर, एक बार दोबारा सुन लेना, पूरा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, लास्ट स्टेप है स्पर्मियोजेनेसिस जो सर्टोरी सेल की मदद से हो रहा है, और स्पर्मिएशन क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। एकदम क्लियर है ये बातें। चलिए
अब ये हो गया पूरे का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए एक बार मेरे साथ करिएगा, एक टेस्टिस काट के देखा, 250 उसके अंदर लोब्स दिखे, 250 लोब्यूल्स। अब उन्हें बोले टेस्टिकुलर लोब्यूल, हर एक के अंदर पाइप पड़े हुए हैं। पाइप निकाल के देखा, पाइप जो हमने काट के देखा, तो पाइप काटने पर हमें वहां पर क्या मिलेंगी, उसकी पूरी की पूरी इनर वॉल या आउटर वॉल, इनर वॉल। इनर वॉल पर हमें क्या मिलेगा, स्पर्मेटोगोनिया, जैसे मेल जर्म सेल बोल रहे हैं। अच्छा बेटा, अगर ये पाइप है, मान लीजिए ये स्टाइलर नहीं है, पाइप है, अगर मैं पाइप को ऐसे करके काटूं तो सामने से हमें गोल गोल डायग्राम दिखाई देगा। अरे पाइप है, पाइप को अगर मैं ऐसे करूं और ऐसे काट के देखूं तो सामने गोल गोल डायग्राम दिखाई देगा। तो अब इधर देखिएगा, यहां पर मैंने क्या बनाया, एक पाइप। अरे पूरा ऐसा लंबा सा होगा ना बेटा, आप इसे काट के देख रहे हो इसे, और यहां पर आपकी क्यूबाइडल सेल पाई जाएंगी, जिसको हम आपने क्या बोला था, स्पर्मेटो गोनिया या मेल जर्म सेल। अब बेटा यहीं पर मैंने कहा था बीच बीच में क्या पाई जाएंगी, आपकी लंबी लंबी सेल, जिन्हें हम बोलते हैं सर्टोरी सेल। अब बेटा इधर देखते जाना, जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया है वो खा पी के मोटी हो जाएंगी, तो यहां पर क्या बन जाएंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपकी क्या करेंगी, मियोसिस फर्स्ट करेंगी, तो यहां पर बन जाएंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बोलो, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपकी मियोसिस सेकेंड करेंगी, तो क्या बन जाएगा, स्पर्मेटेड। और स्पर्मेटेड अब क्या होगा, ये जो सर्टोरी सेल है, ये सर्टोरी सेल कुछ केमिकल निकालेगी, और वो केमिकल क्या करेंगे, इन स्पर्मेटेड में मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल चेंज कराकर क्या बना देंगे, स्पर्म। और स्पर्म जाकर धस जाएंगे किसमें, आपके सर्टोरी सेल में फॉर नरिशमेंट। अब यही डायग्राम एनसीईआरटी ने बनाया है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा मैंने ये बना दिया। तो दैट्स ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा खत्म हो चुका है। अब देखिए हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, अर्थात कैसे कैसे हार्मोन, हार्मोन मतलब जो हमारी बॉडी में केमिकल मैसेंजर्स हैं, वो केमिकल जो हमारी बॉडी में मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, हार्मोन। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा इसी वीडियो में, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, आखिर हार्मोन कैसे कंट्रोल करते हैं कि कब स्पर्म बनना है कब स्पर्म नहीं बनना है। ठीक है, तो बेटा इधर हमें पता है, अभी हम इंडोक्राइन पढ़ के आ रहे हैं, तो हमें पता है कि जो हाइपोथैलेमस होता है, ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरो सिक्रेटरी सेल पाई जाती हैं। बेटा ब्रेन का पार्ट है, न्यूरॉन का बना होगा, ठीक है, हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, तो उन सेल को मैंने क्या बोल दिया, न्यूरो सिक्रेटरी सेल। तो हाइपोथैलेमस में जो मौजूद न्यूरो सिक्रेटरी सेल है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल अर्थात न्यूरॉन को सिक्रीट कर रही, दैट इज हार्मोन, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं, ये एक हार्मोन निकालती हैं, और हार्मोन का नाम है गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इस हार्मोन के नाम को पकड़ो, बायोलॉजी में नाम अगर किसी को क्लियर है तो रटना नहीं पड़ता, ठीक है। देखो बायो का एक सीधा सिद्धांत है, चीजें अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, देखो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप समझ नहीं सकते हो कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो आप रट रहे हो कि समझ रहे हो, है ना, आप रट भी रहे हो तो आपको एकदम कंफर्टेबल फील होता रहेगा बायो में कि हाँ आप टीचर बोलता जा रहा है, नैरेट कर रहा है बायोलॉजी, कहानी सुना रहा है, ठीक है, आप कहानी की तरह सुनोगे और फिर अल्टीमेटली भूल जाओगे। और कुछ लोग होते हैं चीजों को समझ लेते हैं, तो चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा हाइपोथैलेमस में मौजूद होती कुछ सेल जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, तो उन्हें मैंने न्यूरो सिक्रीटरी सेल बोल दिया। अब ये एक हार्मोन निकालती, नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। बेटा हाइपोथैलेमस असल में पिट्यूटरी ग्लैंड को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कब कौन सा हार्मोन बनाना है, रिलीज करना है, कब कौन सा हार्मोन उसे नहीं बनाना है, तो इस सारा कंट्रोल किसके पास है, हाइपोथैलेमस के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाती मास्टर्स ग्लैंड, क्योंकि वो बहुत सारे हार्मोन के थ्रू बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करती है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर्स ग्लैंड है, लेकिन पिट्यूटरी को भी कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को मैं क्या बोलूंगा, मास्टर्स ऑफ मास्टर्स ग्लैंड, बाप का बाप, भाई पिट्यूटरी ग्लैंड बाप, क्यों क्यों मास्टर्स ग्लैंड, क्योंकि बॉडी के बहुत सारे फंक्शन कंट्रोल कर रही है, क्योंकि ढेर सारे हार्मोन निकालती है। लेकिन अब मास्टर्स ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। अब बेटा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के पास जाके थोड़ी कहेगा कि तुम्हें ये हार्मोन निकालने हैं, हाइपोथैलेमस तो अपनी जगह फिक्स है, पिट्यूटरी अपनी जगह फिक्स है, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को मैसेज कैसे भेजेगा, विद द हेल्प ऑफ केमिकल, और उन्हीं केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हार्मोन। अब इधर देखना जरा आगे की तरफ, यहां पर अगर आप एनसीईआरटी में इंडोक्राइन पढ़ चुके हैं तो इधर देखिएगा, यहां पर एनसीईआरटी ने ऐसे हाइपोथैलेमस दिखाया है, ठीक है, और हाइपोथैलेमस दिखाने के बाद उन्होंने ऐसे एक झुंझुने जैसे ग्लैंड दिखाई है, और ये झुंझुने जैसी ग्लैंड एक्चुअली में क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर। अब समझना, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, इनके बीच में ये डंठल दिखाई दे रही, स्टॉक दिखाई दे रही ना, अब समझना बेटा, जो पिट्यूटरी का आगे वाला पोर्शन है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये नीचे वाली जो आगे वाला पोर्शन है इसको हम लोग जनरली बोल सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो पीछे वाला पोर्शन है हम उसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी,
ठीक है, एंटीरियर मतलब ही होता आगे वाला, ठीक है, पोस्टीरियर मतलब बेटा पीछे वाला, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एक बड़ी फैक्ट बात है कि जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी तो आपके कई सारे हार्मोन बनाती है, लगभग 6। तो एंटीरियर पिट्यूटरी तो आपके कई सारे हार्मोन बनाती भी है खुद, और बनाती है और उसे रिलीज भी करती है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक भी हार्मोन नहीं बनाती। ये क्या करती है, हाइपोथैलेमस द्वारा बनाए गए हार्मोन को स्टोर करती है और रिलीज करती है। तो देखा जाए एक्चुअली में तो एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन बना कौन सकता है और रिलीज कौन कर सकता है, एंटीरियर। पोस्टीरियर वाली हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाए गए हार्मोन को क्या करती है, स्टोर कर लेती है और रिलीज कर देती है। इतनी बात एकदम क्लियर। तो चलिए अब बेटा मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जरा इसके नाम को पकड़िएगा, गोनेडोट्रोपिन। गोनेड्स का मतलब मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। ट्रोपिन का मतलब होता है एक्टिविटी, ट्रोपिन का मतलब हो गया, साइड में लिख दे रहा हूं, ट्रोपिक का मतलब हो गया बेटा एक्टिविटी। गोनेड्स में एक्टिविटी कराने वाला हार्मोन का नाम होता है गोनेडोट्रोपिन। अब बेटा गोनेड्स में तुम क्या एक्टिविटी कराओगे, टेस्टिस से क्या करोगे कि ब्लड सब की ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा दो या ब्लड फिल्टर कर दो, भाई टेस्टिस का फंक्शन क्या है, स्पर्म बनाना। तो जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, पूरा मत पढ़ो, जितना पढ़ ले उतना पढ़ो, जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है ये गोनेड्स में एक्टिविटी करवाएगा, मतलब टेस्टिस से स्पर्म बनवाएगा, ओवरी से ओवम बनवाएगा। लेकिन इस हार्मोन का पूरा नाम पढ़िए, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये, मतलब गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन। और गोनेडोट्रोपिन बेटा आपका जो गोनेडोट्रोपिन है वो रिलीज करती है एंटीरियर पिट्यूटरी, अर्थात एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, ये गोनेडोट्रोपिन का निर्माण भी करती है और गोनेडोट्रोपिन को रिलीज भी करती है। क्लियर, आप समझते जाना मेरी बात को। तो बेटा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अच्छे से समझिएगा, ठीक है, हाइपोथैलेमस ने क्या किया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाया और वो मैसेज लेकर दिया किसको, पिट्यूटरी को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सही से सुनना बेटा, गोनेडोट्रोपिन को रिलीज कराने वाला हार्मोन, ये जाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा कि तुम गोनेडोट्रोपिन बनाओ। नाम में फर्क है, गोनेडोट्रोपिन है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये है GnRH, गोनेडोट्रोपिन को रिलीज कराने वाला हार्मोन। और गोनेडोट्रोपिन को रिलीज कराने वाला हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाएगा और ये जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेगा कि तुम गोनेडोट्रोपिन बनाओ, और वो गोनेडोट्रोपिन जाएंगे ब्लड में टहलते हुए किसके पास बेटा, टेस्टिस के पास, और टेस्टिस से कहेंगे भैया चलो स्पर्म बनाओ। क्या इतनी बात एकदम क्लियर, या जो और भी एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करो। अब यहां पर मैं फिर लिख सकता हूं ऐसे कि हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी सेल ने गोनेडोट्रोपिन रिलीज किया और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया और ये गया आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जाकर कहा कि भैया मास्टर ग्लैंड, तुम्हारे भी पिताजी ने मैसेज भेजा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी अब तुम क्या निकालो, गोनेडोट्रोपिन, अर्थात वो हार्मोन जो गोनेड्स पे एक्टिविटी करें। और गोनेडोट्रोपिन बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है LH, LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक, और एक होता है FSH, FSH का मतलब होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बेटा LH और FSH, कुछ इसमें एक एक लेटर मैंने बड़ा लिखा है, कुछ वजह है। LH क्या करता है, LH का L पकड़ना बेटा, LH काम करता है लीडिंग सेल पर, और लीडिंग सेल पर काम करके टेस्टिस के अंदर पाई जाती है ना बेटा, लीडिंग सेल पर ये काम करता है। और वहीं पर जो FSH है उसका S पकड़ो, FSH काम करता है सर्टोरी सेल पर, या बोल दो बेटा नर्सिंग सेल पर, है ना। अब बेटा ये बताओ, लीडिंग सेल हमने आपको पढ़ाया था कि लीडिंग सेल क्या करती है, एंड्रोजन पैदा करती है। एंड्रोजन कोई सिंगल हार्मोन है या ग्रुप ऑफ हार्मोन। एंड्रोजन में भी बेटा सबसे मेन कौन है आपका, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, मेन एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरॉन। एंड्रोजन बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर टेस्टोस्टेरॉन आता है। तो ये जो एंड्रोजन है, ये एंड्रोजन आपका क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, अर्थात स्पर्म का निर्माण करवाता है टेस्टिस से, एकदम क्लियर। वहीं पर FSH, S पकड़ो, S से क्या हो गया, सर्टोरी सेल। सर्टोरी सेल क्या करती है बेटा, कुछ फैक्टर्स निकालती है, उन फैक्टर्स की मदद से ये क्या करवाएगी, स्पर्मियो
जेनेसिस। वैसे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी ये पैदा करती है, लेकिन वो सब अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो बस इतनी हो गई हार्मोनल कंट्रोल, बात हो गई खत्म। हाइपोथैलेमस का न्यूरोसेक्रेटरी में मौजूद न्यूरोसेक्रेटरी सेल ने गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलवाया, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से जाकर कह रहा है गोनेडोट्रोपिन रिलीज करो। गोनेडोट्रोपिन गोनेड्स पे एक्टिविटी करेंगे दो तरीके के, एक LH और एक FSH। LH क्या करेगा, लीडिंग सेल पे अटैक करेगा, उससे कहेगा एंड्रोजन निकालो, एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। वहीं पर FSH एस से सर्टोरी सेल, ये क्या करवाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस कराएगा। अभी दिखाया था कि सर्टोरी सेल कुछ फैक्टर निकालती है जिसकी मदद से स्पर्मियोजेनेसिस होती है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आप एनसीईआरटी पढ़िए, कुछ पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए अब हम इसे एनसीईआरटी से रीड करते हैं। देखो बेटा, एनसीईआरटी से रीड करना किसी भी चीज को बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइन इसी की छपेंगे एग्जाम में, और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तैयार होनी चाहिए। और इसका मतलब लाइन बाय लाइन कैसे, कॉन्सेप्ट से, कि कितने सवाल बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वहां पर सोचने का टाइम नहीं होगा, वहां पर टिक मारना है बस। आइए, गैमेटोजेनेसिस, गैमीट का निर्माण, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अर्थात टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरी इन द फीमेल, ये प्रोड्यूस करते हैं गैमीट, दैट इज टेस्टिस बनाएगा स्पर्म, ओवरी बनाएगी ओवम, रिस्पेक्टिवली क्रमशानुसार, बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस में जो इमैच्योर मेल जर्म सेल हैं, अर्थात अभी मैच्योर तो हुई नहीं बेटा, मैच्योर कब बोली जाएंगी, जब स्पर्म बन जाएगा। तो इमैच्योर मेल जर्म सेल अर्थात स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्म बनाएंगी बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, जो शुरू हो जाएगा। बेटा शुरू कब होगा, जब आपकी प्यूबर्टी आएगी भाई, प्यूबर्टी आएगी तभी तो गैमेट बनना शुरू होगा। एट प्यूबर्टी, बिफोर या आफ्टर, एट प्यूबर्टी द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल मल्टीप्लाई करेगी, माइटोसिस करेगी और ढेर सारी स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी और अपनी संख्या बढ़ाएगी। अब प्रोसीजर शुरू होने वाला है। ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड, हर स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है बॉडी की हर एक सेल की तरह। कंटेन 46 क्रोमोसोम इन ह्यूमंस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का नाम है, जिसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया खापी के मोटी हो गई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट साइट बनेंगी, और वो जब खापी के मोटी हो जाएंगी उसके बाद पीरियोडिकली मतलब एक इंटरवल पर, एक बार स्पर्म बना फिर स्पर्म बनेगा, फिर स्पर्म बनेगा, तो एक पार्टिकुलर इंटरवल पर ये अंडरगो, ये करेंगी मियोसिस। अब कैसे करेंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट करेगी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जिसे हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं मियोसिस को, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ दो इक्वल बराबर साइज की हैप्लॉइड सेल, जिसे बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें सिर्फ आपके क्रोमोजोम कितने होंगे, 23। अगर सेल डिवीजन पढ़ा है तो मियोसिस फर्स्ट के बाद हर एक क्रोमोजोम पर, लेकिन क्रोमेटिड कितनी होती है, दो, मतलब डाइक्रोमेटिड क्रोमोसोम होते हैं। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब क्या करेगी, सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो कि माइटोसिस जैसा होता है, और ये चार इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनाएगी। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, उतने ही होंगे जितना मियोसिस फर्स्ट से जो सेल बनी है उसमें जितने होंगे, अर्थात 23। क्योंकि ना बेटा मियोसिस सेकंड इज इक्वल टू माइटोसिस, और हैप्लॉइड में कभी भी मियोसिस नहीं होती। द स्पर्मेटिड अब ट्रांसफॉर्म होंगे, बदलेंगे, मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल चेंज होंगे, और बनाएंगे स्पर्मेटोजोआ, या स्पर्मेटोजोआ बोल दो, या स्पर्म, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म के हेड बिकम एम्बेडेड, धस जाते हैं। यहां पर देखना बेटा, स्पर्म जो है आपके ये धसे हुए हैं सर्टोरी सेल में, धस जाते हैं सर्टोरी सेल में, एंड आर फाइनली जब ये रिलीज होंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन। अब यहां पर इस पैरा में एनसीईआरटी ने हार्मोनल कंट्रोल समझाया है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, लाइन रिपीट कर गई, ड्यू टू एकाएक बढ़ जाता है किसका सिक्रीशन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का, मतलब जीएनआरएच रिलीज तो हो रहा होता है लेकिन इस समय एकाएक बढ़ जाता है। This, if you recall, अगर तुम्हें याद है, ये एक hypothalamic hormone है GnRH, जो जिसका level जब increase करेगा तो ये anterior pituitary पर जाकर act करेगा और stimulate करेगा कि वो secrete करे दोनों gonadotropin, LH और FSH। LH act करेगा leading cell पर, और LH क्या कराएगा, synthesis कराएगा, और उसके बाद secrete कराएगा androgen, androgen क्या करेंगे बेटा, spermatogenesis कराएंगे। वहीं पर FSH काम करेगा सर्टोरी सेल पर, और ये stimulate करेगा आपका कि ये सर्टोरी सेल कुछ फैक्टर सिक्रीट करे, सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर, जो मदद करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस में। तो ये हो गया कंप्लीट एनसीईआरटी की रीडिंग। और अब देखना, यहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का इन्होंने एक सेक्शन काट के दिखाया है, जिसमें ये हो गई आपकी स्पर्मेटोगोनिया, इनर वॉल पर है, आउटर पर नहीं बेटा, इनर वॉल पर स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करी, बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, डिवाइड करी, गलत,
खा पीकर मोटी हो गई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड मियोसिस फर्स्ट हुई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड मियोसिस सेकेंड हुई, स्पर्मेटिड एंड देन फाइनली आपके क्या बन गए, स्पर्म। और ये हो गया कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सो दिस इज साहिल सिद्दीकी, आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।